हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? फ्रेंड, दिस इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे? हम लास्ट वीक में क्या सीखे? हमने सीखा रिलेशन ऑफ शेयर विथ सेल्स एंड प्रॉफिट, रिलेशन ऑफ शेयर्स प्राइस बराबर भाव का कोई भी कंपनी के धंधे और प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, ये क्या था? हम क्यों कहते हैं भाव का सेल्स और प्रॉफिट के साथ कोई रिलेशन है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? राइट, लेट मी टेल इन एडवांस, हम आज का जो नवंबर बैच है ये हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि सितंबर बैच वी आर डूइंग इन इंग्लिश, राइट? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल द पीपल जो भी आज इस बैच में है, नवंबर बैच में, वो हिंदी से कंफर्टेबल है। तो नवंबर बैच जनरली हम हिंदी में करते हैं, सितंबर बैच वी डू इन इंग्लिश, राइट? ओके, तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्या सेल्स और प्रॉफिट के साथ भाव जुड़े हुए हैं? ये भाव भाव क्या है? What is the price? Yes, कौन बताएंगे आप में से? Anybody? What is the price of any share? भाव क्या है? Sir, price is a reflection of earnings. Price is the reflection of earnings. ये तो आप बोलते हो राकेश भाई, बराबर कि नहीं? कि भाई आप ये कहते हो कि भाव जो भी है आज, वो अर्निंग की ही परछाई है, रिफ्लेक्शन है। अब या तो ये अर्निंग आ चुकी है, या ये अर्निंग, राकेश भाई, या ये अर्निंग आने वाली है। करेक्ट, ऑटो में भाव बढ़ रहे हैं, अच्छी कंपनियों के डेटा में रिफ्लेक्शन आ गया है कि सेल्स आर इंप्रूविंग, राइट? तो अगर इस कंपनी का धंधा बढ़ा है तो उम्मीद रखते हैं कि इन कंपनियों के भी धंधे बढ़ेंगे। तो अगर कोई एक कंपनी के डेटा अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज कोई एक सेक्टर में उनके धंधे सुधरते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि सारी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे और भाव भी रिफ्लेक्शन आएगा, राइट? टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कोरोना में भी कोई खराबी नहीं है, तो इससे हमने टीसीएस में पहले ब्रेकआउट देखा, एलटीआई में देखा, इंफोसिस में देखा, विप्रो में देखा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक रिजल्ट आने पर इन्वेस्टर, जो भले वो कंपनी में नहीं है, वो इससे रिलेटेड कंपनी में उन्होंने निवेश किया है, पर उनको पता चल जाता है कि वाओ, इंडस्ट्री में ये कंपनी के नतीजे अच्छे आए, मतलब मेरी कंपनी के भी नतीजे अच्छे आएंगे। और राकेश भाई, अगर मेरी कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आए तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है कि आपने जो उम्मीद किया था, आप कहते थे मस्त रिजल्ट आएंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग 15% ग्रोथ, पर हो सकता है खाली 5% ग्रोथ आए, बोलेंगे हमारे प्लांट बंद था इस महीने, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, तो वो भाव पे क्या इफेक्ट आएगा राकेश भाई? सर, भाव गिरने लगेंगे। उसे क्या कहते हैं? उम्मीद से कम नतीजे आए। आप उम्मीद करके बैठे थे, पर उम्मीद पे खरा नहीं उतरी आपकी कंपनी, राइट? तो इसी प्रकार से शेयर बाजार चलता है। तो भाव अगर आपके टीसीएस का 3,000 रुपया है, राइट, भाव से कभी कभी हमें कंपनी के बारे में पता नहीं चलता है। कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे एमआरएफ का भाव 80,000 है, राइट? तो बहुत लोगों को लगता है क्यों एमआरएफ का भाव 80,000 है, राइट? क्या एमआरएफ टीसीएस से अच्छी है? लगता है कि नहीं, क्योंकि वो सीधा भाव से कंपेयर करते हैं। तो जनरली भाव से कंपेयर नहीं करना चाहिए, मार्केट कैप से कंपेयर करना चाहिए। मार्केट कैप आपको सही चित्र देती है, बराबर है कि नहीं? जैसे यस सर, रिलायंस का मार्केट कैप कितना है? अंदाजे से बोलना, राउंड फिगर, वो देखने का जरूर नहीं है। यस, एनीबॉडी, किसी को याद है व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस? सर, 12 लाख करोड़।
बारह लाख करोड़, हम 15 लाख करोड़ मानते हैं, 12-15 लाख करोड़ है रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप। रिलायंस इंडस्ट्री का धंधा कितना है? अराउंड 6 लाख करोड़, 6 लाख, अराउंड 7 लाख करोड़ गिनते हैं, बराबर ना, 6.5 लाख करोड़ जैसा है। तो चलो आप अराउंड बोलोगे तब तक वो 7 लाख करोड़ पहुंच जाएंगे, तो हम अभी अभी से मान लेते हैं, चलो रिलायंस 7 लाख करोड़ की कंपनी। प्रॉफिट कितना है? तीन इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट कैप 15 लाख करोड़, धंधा 7 लाख करोड़ और प्रॉफिट कितना है? 30,000 करोड़ सर, 40,000 करोड़ गिने, 40,000 करोड़ बराबर है, अंदाजे से 39,000 करोड़, आप 40,000 करोड़ गिन लो। अब तीन इंपॉर्टेंट डेटा, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 7 लाख करोड़ का धंधा। जनरली हम हर बार बात करते हैं कि इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़, मार्केट कैप 200 लाख करोड़ से कम, पर रिलायंस के केस में धंधा 7 लाख करोड़ पर मार्केट कैप कितना? डबल हुआ कि नहीं? यानी रिलायंस पे लोग पॉजिटिव है कि निफ्टी पे पॉजिटिव है, बताओ मेरे को, किस पे ज्यादा पॉजिटिव हुए? रिलायंस पे। रिलायंस को ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, क्यों प्रीमियम मिलता है ज्यादा? रिलायंस का भी मार्केट कैप 7 लाख करोड़ होना चाहिए निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो, पर रिलायंस का भाव ज्यादा है, मतलब वो निफ्टी से हायर पी पे, ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसा क्यों? रिलायंस का प्रॉफिट कितना बताया आपने? 40,000 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 15 लाख करोड़ डाले, मान लीजिए आप बड़े निवेशक हो, आपने बोला कि मेरे को पूरा कंपनी खरीदने का है, तो कितना पैसा चाहिए रिलायंस को खरीदने के लिए? 15 लाख करोड़ मार्केट कैप, 15 लाख करोड़ आपने डाले, आपको हर साल का कितना प्रॉफिट हो रहा है? टेल मी, 40,000 करोड़ हो रहा है आपको, क्लियर? आप 15 लाख करोड़ किस चीज के दे रहे हो? बिकॉज यू आर एश्योर्ड कि मुझे आज 40,000 करोड़ मिल रहा है और ये आने वाले समय में बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ हम देखेंगे कि कुछ समय में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट देने लगे, तो मुझे आने वाले दशक, 20 साल 30 साल, पता नहीं भगवान जाने, जब तक प्रॉफिट आता जाएगा, मेरी एश्योरिटी होती है कितना मेरे को मुनाफा होने वाला है। दैट इज व्हाई आई एम पेइंग 15 लाख करोड़ रुपीस। Got it? तो ये प्रीमियम ज्यादा हो कि कम हो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, बताइए मेरे को। यस, सेल्स पे। खाली सेल्स नहीं दोस्त, प्रॉफिट। देखो टाटा मोटर का सेल 3.5 लाख करोड़ है, उसका मार्केट कैप कितना है? 50,000 करोड़ टाटा मोटर। तो क्यों ऐसा उल्टा? आप बोलोगे 25% बढ़ा है, लेकिन हकीकत तो देखो, कहां 3.5 लाख करोड़ का धंधा, कहां 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, क्यों टाटा मोटर का मार्केट कैप 50,000 करोड़, टाटा स्टील 1.5 लाख करोड़ का धंधा, मार्केट कैप 50,000 करोड़, तो क्यों इनको प्रीमियम नहीं मिल रहा है? और टीसीएस कितना मार्केट कैप टीसीएस का? 12 लाख करोड़। डीमार्ट 2 लाख करोड़ मार्केट कैप, टीसीएस का धंधा कितना? 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ पे टीसीएस 12 लाख करोड़ ले रहा है, यानी 10 गुना लोग क्यों पे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं अगर 12 लाख करोड़ पे करता हूं, उसके सामने मुझे हर साल कितना प्रॉफिट मिल रहा है? हाउ मच? यस प्लीज, टीसीएस का प्रॉफिट कितना है? अब ये सब चीजें ध्यान रहनी चाहिए, बराबर ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। अभी भाव भूल जाओ चलेगा, भाव तो मेरे को भी नहीं पता है, पर ये कुछ चीजों को ध्यान में रखो। आई एम इन्वेस्टिंग 12 लाख करोड़ इन टीसीएस एंड आई एम रिसीविंग 35,000 करोड़ प्रॉफिट एवरी ईयर। मुझे एश्योरिटी है कि मैं आने वाले समय में यही 50,000 करोड़ जाएगा, 1 लाख करोड़ जाएगा, तो इसका प्रीमियम बहुत है। 10 गुना ज्यादा भाव क्यों दे रहे? क्योंकि जितनी ज्यादा एश्योरिटी प्रॉफिट बढ़ने की, उतने ज्यादा भाव बढ़ते हैं। क्लियर है? आपकी कुछ कंपनियां लॉसेस कर रही है, अब वो लॉस कर रही है इसलिए उनको प्रीमियम नहीं मिलता है। इन्वेस्टर को डर लगता है यार कल वापस लॉस करेगी, आज चलो प्रॉफिट में आई, कल वापस लॉस हुआ तो
जो मार्केट कैप है या जो भाव है उसमें इन्वेस्टर का डर या तो कॉन्फिडेंस छिपा हुआ है। सही बताया कि नहीं मैंने? Am I right or wrong? भाव में, यानी आप मार्केट कैप बोलो या भाव बोलो, इसमें क्या छुपा हुआ है? इन्वेस्टर का फियर या एक्साइटमेंट, ये दोनों चीजों को मार्केट कैप रिफ्लेक्ट करता है। तो जितनी बढ़िया कंपनी होगी उसको प्रीमियम मिलेगा, पर यस एश्योरिटी भी रहती है। अब कौन से केस में भाव घटते हैं अच्छी कंपनियों के भी, यानी मार्केट कैप घटता है? देखो रिलायंस का मार्केट कैप पिछले दो महीने से तो नीचे नीचे आता जा रहा है कि नहीं? बाजार चल रहा है पर रिलायंस ने परफॉर्म नहीं किया दो महीना, क्यों ऐसा? यस एनीबडी? यस यस यस, कौन बताएंगे? दीपक पटेल? यस दीपक भाई? यस सर। यस, क्यों रिलायंस का मार्केट कैप दो महीने में क्यों नहीं बढ़ा जबकि निफ्टी बढ़ता गया? सर इन्वेस्टर को आगे के क्वार्टर में थोड़ा फॉल का अंदाजा रहेगा सर इनको। क्यों? वही मैं कह रहा हूँ, क्यों फॉल मतलब? क्यों इन्वेस्टर कोशिश है थोड़े रिलायंस में? डैनी बताओ यार, टीसीएस का बढ़ गया, रिलायंस का मार्केट कैप नहीं बढ़ा दो महीने से, वाई? मेबी इन्वेस्टर्स फील इट इज ओवरप्राइस्ड नाउ। या एब्सोल्युटली, कितनी सिंपल सी बात है कि वी वर एक्सपेक्टिंग सेल्स बढ़िया बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, एवरीथिंग इज गुड, और रिलायंस को 1,500,000 करोड़ पहुंचा दिया, पर इन्वेस्टर को फील हुआ कि नहीं जितना पहुंचाया है उसके हिसाब से अभी बराबर है, अभी इसको और नहीं पहुंचा सकते क्योंकि पिछले क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आए थे। आप ट्रैक करो, जिस दिन रिजल्ट आए थे तब से म्यूटेड है रिलायंस। क्यों? उम्मीद से कम नतीजे। डन? हमेशा रिजल्ट्स को इसी प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? अब मैं आपके टॉपिक पे आ जाता हूं। आप लोगों को लास्ट वीक बहुत ही कम असाइनमेंट दिया था, बहुत ही कम काम था इन शॉर्ट, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं चाहता था कि आप जल्दबाजी में ना करें, और जब ये एक्सरसाइज करें तब आप पूरा ध्यान दे के इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपने क्या किया बताया लास्ट वीक? अंडरस्टैंडिंग मार्जिन, पहली चीज मार्जिन को समझा, क्योंकि जब मैं निवेश करता था इनिशियल टाइम में मैंने यहां बहुत धोखा खाया था। मैं ये कहता था कि अरे इस कंपनी का तो कितना तगड़ा मार्जिन है, मैं ONGC से कंपेयर करता था मेरी कंपनियों को, ONGC का इतना बढ़िया मार्जिन, ये मेरी कंपनी का कुछ मार्जिन नहीं है, क्यों मैं लू, राइट? पर मैं भूल गया था कि वो पुरानी इंडस्ट्री है, वो बरसों से खा पी के तगड़ी हो गई है, और ये नई इंडस्ट्री, इसके मार्जिन कम होंगे, दे आर एक्सपांडिंग। तो मैं हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटी लेता था डर के मारे कि यार इतने मार्जिन है, राइट? सो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वी कांट कंपेयर मार्जिन, है ना? लेकिन मार्जिन बढ़ते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे कुछ कॉस्ट कम होती जाती है एंड योर मार्जिन स्टार्ट्स इंप्रूव। आप मार्जिन का पूरे, आपने 20 साल का डेटा डाला मेरे हिसाब से आप सारे लोगों ने, तो 20 साल के मार्जिन देके कितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आती है कि बहुत ज्यादा मार्जिन देके खुश नहीं हो जाने का, राइट? उसी प्रकार से बहुत कम मार्जिन देख के दुखी नहीं हो जाने का, क्योंकि मार्जिन रेंज में चलते हैं। ऐसा टाइम आएगा व्हेन योर मार्जिन्स आर गोइंग टू कम डाउन, क्योंकि कुछ चीजें जो उनका ज्यादा कॉस्ट करती है उनके भाव बढ़ गए होते हैं, बराबर की नहीं? और एक सीमा होती है मार्जिन की, वहां तक जब मार्जिन आते तो थोड़े नीचे आ जाते फिर मार्जिन, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग मार्जिन वॉज योर की टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग प्राइस वाइज बिहेवियर, क्या आपने अपनी कंपनी में यह ट्रैक किया कि नहीं किया कि भाव और सेल्स और प्रॉफिट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, राइट? मैं जब ये नहीं समझता था तब मैं बहुत चिंता में रहता था, मेरे को बहुत डर लगता था कल क्या होगा,
शेयर गिरेंगे कि चलेंगे, कि मैं कमाने वाला हूं कि नहीं कमाने वाला हूं, अंधकार में दौड़ती, जब मैं ये नहीं समझता था। पर जब से मैं सेल्स और प्रॉफिट ट्रैक करता हूं भाव के साथ, आई एम रिलैक्स। मुझे पता है अभी क्यों यूबीएल नहीं चल रहा है, राइट? मेरे को पता है क्यों आईटीसी अपने वो भाव पे है, मेरे को ये भी पता है क्यों टीसीएस दौड़ रहा है, क्यों रिलायंस दौड़ रहा है, राइट? सो ये सारी अंडरस्टैंडिंग किसने दी? भाव ट्रैक करने से नहीं आई है हमको। कभी भी हम रोज भाव देख देख के मर जाएंगे, पर कभी नहीं पता चलेगा। 90% इन्वेस्टर जो है वो रोज भाव देख रहे, टीवी के सामने हो गए या वो स्क्रीन के सामने आ गए, बाप रे ये तो गिर रहा है, ये तो चल रहा है, कभी उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग आती है वो जो कठपुतली वाला है ना, वो घुमाता है ना कठपुतली हाथों से, कठपुतली को देख के नहीं होगा काम, वो घुमाने वाले को देख के काम होगा। कठपुतली को घुमाती है उसकी उंगली, या भाव को चलाते हैं सेल्स और प्रॉफिट, राइट? तो आप लोगों ने सेल्स प्रॉफिट डेटा लिखे और उसको जब भाव से हर साल कंपेयर किया, कितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलता है इससे। तो मैं चाहता था आप थोड़ा इसके पे टाइम लो और शांति से काम करो। हमने कम चीजें सीखी लेकिन ये चीज इफेक्टिव है। आपको पता रहना चाहिए कि आपने जब 20 साल के डेटा लिए तब आपने देखा कि हर साल प्राइस में वोलाटिलिटी बहुत आती है। आपने नोट किया जब एक बार भाव चलते हैं तो जूम 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 3-4 गुना हो जाते। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब गिरते हैं तब ठाक 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 करके गिरते। आप बोलोगे 8% का स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, तो मैं एक ट्रेनिंग जाके आया हूं, मेरे को बोला है पीयूष भाई 8% का स्टॉप लॉस रखने का है, राइट? 25% तो यूं ही गिरेंगे, 25% तो गिरने में वो आपको पूछने भी नहीं आता कि मैं इतना गिरने वाला हूं। खाट रिलायंस कितना गिर गया ये 2 महीने में, अभी तो बाजार नहीं गिरा है। मतलब तो बाजार गिरेगा पहले कौन गिरेगा, बराबर की नहीं? सो ये जो मूवमेंट ऑफ -50% टू +50% है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बिहेवियर पता रहे कि स्टॉक्स आर प्राइस आर वोलेटाइल, ये जब गिरेंगे तो आधे होंगे, 25% तो बिल्कुल नॉर्मल है, इतना फॉल तो हर साल आना चाहिए, 25% कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपके शेयर आधे होंगे, 9-10 साल में ऐसा भी टाइम आएगा आपके शेयर आधे के भी आधे होंगे, राइट? 10-11 साल में ऐसा मौका एक आध बार आता है, और हर 3-1 साल में एक आध बार आपके शेयर आधे भी हो जाते हैं। सो इट इज ऑल थिंग्स आर नॉर्मल। ये आप जब भाव को ट्रैक करोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर हमेशा चिंता में घूमेंगे। एंड लेट मी एश्योर यू, अगर ये नहीं समझेंगे तो जब जब बाजार गिरेगा आप पोर्टफोलियो बेच दोगे, और आपने बेचा होगा लोएस्ट लेवल पे, जैसे खरीदते हाईएस्ट लेवल पे होंगे सब। हमें वो उल्टी दिशा में नहीं दौड़ना है, जब पूरी दुनिया के स्टॉप लॉस आ रहे हैं, जब वो बेच रहे हैं, उस दिन तो हम खड़े होंगे माल लेने के लिए, चलो भाई अब मैं आया हूं माल लेने को, FII ऐसे ही आते हैं ना, जहां से तुम्हारी लाइन शुरू होती है ना वो डायलॉग, सेम वही चीज आपकी शेयर बाजार में है, जब सब हथियार डाल दे तब आपको घर से निकलना है। उसी प्रकार से जब शेयर बहुत ही हाई होते हैं, जब सब लोग बाइंग बाइंग कर रहे होते तब आप शांति से बैठे होते हो, लेने दो भाई हमने तो नीचे लिया हुआ है। ये चीज बिहेवियर समझ के आती है, डन? हिस्टोरिकल बिहेवियर पी वाइज ये आपने एक्सरसाइज की, तो कम चीजें की, बट दिस ऑल थिंग्स आर इफेक्टिव। मैं चाहूंगा आप लोग इन चीज पे बात करें कि जब आपने अपनी कंपनी में इन चीजों को देखा, भाव से सेल्स प्रॉफिट को कंपेयर किया, तो कुछ समझ में आया, क्या बिहेवियर जानने को मिला, राइट? वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस थिंग। सो लेट मी स्टार्ट टुडे फ्रॉम नीचे से चालू करें, लोअर लेवल है ना। चलिए अमरनाथ जी ऑनलाइन हो क्या अभी आप? लेट मी चेक, अमरनाथ जी है क्या ऑनलाइन? ओके यस, अमरनाथ जी है, नहीं तो मेरे को लगा गुजरात में तो अभी उत्तरायण की तैयारी चल रही है, सब अभी से उत्तरायण में लगे हुए हैं। या अमरनाथ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर। फाइन, ओके। तो आपने ये कई कंपनियों में काम किया होगा ये मैं उम्मीद रखता हूँ, कई कंपनियां मेरे सामने ही हैं,
राइट, यही सो जो सारी कंपनियां हैं, इन्फो एज हो, एस्ट्रल पॉली हो, बाल कृष्णा हो, ये सारी कंपनी में डिस्क्लोजर बता दूं मेरा भी पोजीशन है, यही सारी कंपनी आपने देखा कि 10-10 गुनी भी हुई है, तो भी कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि बहुत चल गई है ऐसा मैं बोलूंगा। यही कंपनी कितनी बार आधी हुई है तो भी मेरे को कभी चिंता नहीं हुई, बराबर है। ये चीज समझ में आई बिहेवियर देख के, कौन सी कंपनी खोलेंगे बोलो इन सब में से? अल्ट्राटेक सर, हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट, चलो अल्ट्राटेक ओपन करते हैं। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सर, और पेज इंडस्ट्री। ओके चलिए, क्या समझ में आया जब आपने अल्ट्राटेक को ट्रैक किया, बताइए मन्ना जी? प्राइस सर। ओके, क्या प्राइस को मतलब जैसे जैसे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस और ईपीएस दोनों बढ़ते हैं सर। ओके, हायर हाई, और हर साल क्या है कि हाँ बोलो क्या कह रहे थे, और 50% हाई लो के एवरेज में रहता है। ओके ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर साल अल्ट्राटेक हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगा रहा है, ये 2 साल तक नहीं चला। 2 साल मतलब कितने महीने आते हैं 2 साल में? 24 महीने नहीं चला, खाली ऐसा नहीं था, लेकिन जो 1200 पे किसी ने लिए ना 2006 में, तो 1200 को खो देने के लिए कब आया दूसरी बार कोई आदमी बीच में? 2012 में, मतलब कितने साल लगे? 2007 के बाद सीधा 2012 में ये नया हाई लगा। बरोबर, इसका मतलब ये अमरनाथ जी कि किसी ने अगर 2006 में लिए होंगे ये मान के कि अल्ट्राटेक इज वेरी गुड कंपनी, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, अच्छा ग्रुप है, चलो मैं ले लूं कोई भी भाव पे, तो वो कितने साल तक फंसा रहा? 6 साल तक फंसा रहा, बराबर। उसमें पीयूष पटेल भी एक था फंसे रहने में, पर मेरे को ये कभी लगा नहीं कि मैं फंसा रहा, क्यों पता है? क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था भाव पे, हम तो माल इकट्ठा कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे, एसआईपी कर रहे थे, क्योंकि एक चीज जानते थे जब कभी सीमेंट चलेगा लो प्राइस पे सर, या जब कभी सीमेंट चलेगा तो पहले कौन चलेगा? अपना राजा, राइट। देखिए ये 6 साल में आप क्या मानते हो, क्या मेरे को कभी डिविडेंड नहीं आया? नहीं, डिविडेंड तो आया होगा सर हर साल कंसिस्टेंटली, तो फिर मैं दुखी क्यों था, समझा सकते हो अमरनाथ जी? क्यों मेरा सर कूट रहा था कि मेरा भाव क्यों नहीं आ रहा है? कोई दुखी होने का की वजह से सर कुछ था ही नहीं ऐसा कि हमें दुखी घूमना चाहिए, मुंह लटका के घूमते मेरा शेयर का भाव नहीं चल रहा है। अरे क्यों मुंह लटका के घूमते हो, तुमको हर साल कंपनी प्रॉफिट दे रही है, तुम्हारी कंपनी है ये, तो एक खराब समय से गुजर रही है अभी, राइट। लेकिन सीमेंट का वपराश, सीमेंट का जो यूजेज है वो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाने वाला है, कल भी घर बनेंगे और सीमेंट चलने ही वाला है, राइट। और आपके पास अच्छी कंपनी है तो क्यों घबराती हो? ये 6 साल मेरे को डिविडेंड आया, जस्ट देखो 1200 वाला 600 हो गया, मतलब कितना हो गया? आधा हुआ, आधा, आधे के बाद ये क्या हो गया? 250, मतलब हर साल ऐसा होता है, और आधा, आधे का आधा, 1200 का आधा, आधे का आधा, मतलब अगर कोई मेरे दोस्त ने निवेश किया होता पीयूष की बात सुन के तो बोलेगा यार पीयूष तूने बेचा नहीं 1200 पे, और आज देख अपना शेयर आधे का आधे का आधा हो गया, राइट। तो जिनको ये फंडामेंटल समझ में नहीं आएंगे ना, वो ये सब जगह पे गोल गोल घूमते रहेंगे, और वो यहीं पे बेचेंगे कि चलो पीयूष भाई कोई अच्छी कंपनी बताओ यार, इसको बाजू में हटाते हैं, कुछ और अच्छा बताओ। अरे कुछ और अच्छा मतलब ये अच्छा नहीं है क्या? हाँ, फिर क्या हुआ? बरोबर, हायर, इसे कहते हैं हायर हाई हायर लो, हर साल इसने हायर हाई हायर लो लगाए कंटिन्यू, कितने साल देखो इधर तक दिख रहे, कितने साल? 7 2009 से 2015 यानी ऑलमोस्ट 6 साल, 7 साल हर साल इसने नया हाई लगाया। और जो लोगों ने, मैं आपको बता दूं अमरनाथ जी, 250 पे बहुत रिटेलरों ने बेचे होंगे, घबरा के,
क्योंकि उनको फंडामेंटल नहीं पता है, और ये वही लेवल है जहां से बड़े लोगों ने जबरदस्त बाइंग किया होगा, क्योंकि उनको फंडामेंटल पता है। ढाई दस गुना पांच साल में थोड़ा मेरे को बरोबर सर, इसमें वो स्प्लिट पे अमरनाथ जी मैंने म्यूट बटन दबाया है क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, अब आप बताइए अनम्यूट करके। यस क्या कह रहे हो बोलो। यस अमरनाथ जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या ये सर आवाज आ रही कहिए कहिए। स्प्लिट जो होता है ना सर, स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट होता है राइट, उसमें एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है सर। होगा थोड़ा होगा, स्प्लिट में थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन लॉजिकली समझोगे तो नहीं होगा। बराबर ना, जैसे अल्ट्राटेक ने कभी स्प्लिट किया नहीं, स्प्लिट बोनस कुछ भी नहीं है अल्ट्राटेक का, तो अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई सर। 2011 में देखो इक्विटी डबल हो गया, 125 करोड़ का 250 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे है बोनस। तो बीएसई के एक्ट पे नहीं दिखा। हाँ वो होगा देखो कॉर्पोरेट एक्शन में। हाँ उसके भरोसे मत रहना आप कि हर बार वो होगा, बराबर। या तो ये इक्विटी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, या आप रिचेक कर लेना। बराबर, देखो अगर 125 करोड़ का इक्विटी 274 करोड़ हुआ है तो फिर कुछ होगा यहाँ पे, बराबर ना। बोनस का डबल हुआ मतलब बोनस दिया होना चाहिए। नहीं वो मुझे लगा टाइटन में भी सर मैंने देखा। हाँ तो हर जगह जरूरी नहीं है बीएससी में लिखा हुआ होगा कि बोनस है, लेकिन आपको पता चल जाएगा वो दूसरे कुछ तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं देखो कि आपका अगर यहाँ पे कुछ है बोनस जैसा तो उसकी भाव पे भी इफेक्ट आई हुई होनी चाहिए, राइट। अगर नहीं है तो ये भी हो सकता है इक्विटी बढ़ा है कुछ एक्विजिशन से, बराबर। अब ये जो कंपनी है ये हाईली इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने वाली कंपनी है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक दो होता है ना, समझते हो ये चीज को आप। कुछ कंपनियां ऑर्गेनिकली बढ़ती है, ऑर्गेनिकली मतलब नॉर्मली धंधा करने से बढ़ती है। और कुछ कंपनियों का हमेशा ध्यान होता है कि मेरे को बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। कौन छोटा है, कौन उठने को आया है, खरीदो उसको, तो वो खरीदते रहते हैं छोटी छोटी कंपनियां। अल्ट्राटेक भी ऐसा खिलाड़ी है जिसका ध्यान रहता है कौन उठने को आया है, उठाओ उसको, क्योंकि अल्ट्राटेक को पूरे भारत में एक्सपोर्ट करना है, तो वो रीजनली छोटी छोटी कंपनियों को खरीदते रहते हैं, राइट। और इसीलिए आज अल्ट्राटेक इतना बड़ा हुआ है, राइट। तो स्प्लिट बोनस में कुछ दिक्कत हो मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे वो दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। नेक्स्ट वीक में हम कुछ वो वीडियो में क्या है कि नॉर्मली वो 1:2 वो दे दूंगा, हां ना, ताकि क्या है आज की मीटिंग में उस चीज पे अपना टाइम ना बिगड़े। और उसके लिए मैंने स्पेशली आधे घंटे का एक वीडियो बनाया हुआ है स्प्लिट बोनस एडजस्टमेंट के लिए, वो मैं दे दूंगा तो काम आपका हो जाएगा, बराबर। पर वो दिक्कत आनी चाहिए, इट्स ऑल हो जाएगा, बड़ा इशू नहीं है वो, राइट। बरोबर, समझ में आया कि कैसे भाव बिहेव कर रहे हैं, इतना चीज क्लियर है। हाँ सर, राइट। अब आपका अल्ट्राटेक अमरनाथ जी पिछले कई समय से नहीं चला है, कितने साल से, 4 साल से नहीं चला है, दिख रहा है। तो ये 4 साल मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करके सर, होल्ड नहीं, SIP नया माल लेने का था कि नहीं था। 4 साल से आपका अल्ट्राटेक नया हाई बरोबर ना है। इसको कहते हैं अल्ट्राटेक एक रेंज में है। क्यों अल्ट्राटेक रेंज में था, क्योंकि अल्ट्राटेक का धंधा भी स्टैग्नेंट जैसा हो गया, इतना हाई ग्रोथ नहीं था पिछले 2-3 साल से, इकोनॉमी म्यूटेड थी पूरी दुनिया की। तो जनरली सीमेंट का ज्यादातर जो कंजप्शन है वो घर में होता है, बिल्डिंग्स में, राइट, रियल एस्टेट में। अब वही बंदा था तो इनके इफेक्ट थी, तो इसलिए आपने नए नए हाई नहीं देखे। लेकिन जैसे अभी इकोनॉमी वापस होगी वैसे वापस सीमेंट दौड़ेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, सीमेंट के
डेटा अच्छे आने लगे उसके बाद इकट्ठे करने चाहिए कि जब किसी को इंटरेस्ट नहीं है तब से इकट्ठा करना चाहिए थोड़ा थोड़ा? कब करना चाहिए? पहले से सर, पहले से, रिजल्ट से पहले। ये पहले समझ जाओ कि सीमेंट का कंजप्शन तो आना ही है। अरे एवरेज सिंगापुर में रहने वाला व्यक्ति एवरेज इंडियन से 10 गुना ज्यादा सीमेंट यूज करता है। एवरेज दुबई अपने से 15 गुना ज्यादा सीमेंट कंज्यूम करता है। तो हम तो कुछ करते ही नहीं है, अभी तो सीमेंट शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उठने वाला है। तो मेरा क्या काम था, मैं इसमें एसआईपी करूं? सोचो मैंने इधर एसआईपी किया था, क्या भाव होगा? 1000 रुपए के आसपास, 750 के भी मेरे पास है, 500 के भी है। अब मैंने पिछले 4 साल भी वापस एसआईपी किया, तो मेरे को कभी डर नहीं लगता है कि यार एक टाइम पे तुम 500 पे ले रहे थे, अभी तुम 2000 पे ले रहे हो, 3000 पे ले रहे हो। भाव इम्पोर्टेंट नहीं है, आज 3000 पे ले रहे क्योंकि ये जैसे इकोनॉमी बूम हुई आपका अल्ट्राटेक 10000 से पहले ब्रेक नहीं लगाने वाला है, राइट? बराबर, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो ये मौके का फायदा उठाना बोलते हैं, राइट? इसी प्रकार से आपको ट्रैक करने चाहिए अलग अलग कंपनी के रिजल्ट। डन? बराबर, ओके सर। अब ये अगर इंडिया सीमेंट होती तो मैं नहीं सोचता कि मैं हर एक लो में लूंगा, वहां पे तो हर हाई में फंसता है। पर आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है अच्छा सेक्टर, अच्छी कंपनी, फिर तो उसको नीचे पे लेनी पड़ेगी ना, फिर थोड़ी ना रिसर्च करने बैठेंगे, बराबर है? हर एक कंपनी में ये नहीं करना है, पर आपके पास अब सिलेक्शन पक्का हो गया है, यू आर वर्किंग ऑन गुड सेक्टर एंड इन टॉप क्वालिटी कंपनी, फिर तो काम हो ही गया है, अब खाली मौके के फायदे उठाओ। ओके, डन? इतनी कंपनी पे सर फोकस करना है अब तो डेली। किसका? जितनी कंपनी हमने सिलेक्ट की है टॉप क्वालिटी, राइट, उसका ही बिहेवियर जान के उसके ऊपर फोकस रखना है। रोज नई नई ढूंढने की कोई जरूर नहीं है, बराबर ना? मैं 10 साल पहले भी अल्ट्राटेक लेता था, आज भी लेता हूँ। बीच में तो सर मैंने छोड़ ही दिया था स्टॉक मार्केट। सही बात है। ये एस्ट्रल पॉली में भी आपने किया है का? अच्छा, बाकी है उसमें बाल कृष्णा। ओके, बाल कृष्णा। हाँ सर, ये सारा मेरे राइट हो गया है। बाल इसमें स्प्लिट का सर इश्यू आया तो इसकी वजह से रहना दिया, बालकृष्ण में भी हो गया है सर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे अच्छा पेज इंडस्ट्री लगा सर। सबसे सबसे अच्छा क्या लगा? ओके, राइट, सेम। एमआरएफ से भी अच्छा है, सब वाले नहीं ना, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। एमआरएफ से ज्यादा पैसा भी इसने कमा के दिया है, राइट? 1000 करोड़ का 5000 सबसे अच्छा सर पेज इंडस्ट्री में लगा। हाँ, बहुत बढ़िया ग्रोथ है, वंडरफुल, एकदम मस्त। कोई बात नहीं, तो भी मैंने किया है सर, अल्ट्राटेक के बाजू में ही। ये रहा, मिल गया पेज इंडस्ट्री, राइट? ओके, पेज का भी जब आईपीओ आया ना तब से हम लोग पॉजिटिव है पेज इंडस्ट्री पे। क्यों पॉजिटिव है पता चल गया होगा आपको, प्री आईपीओ पॉजिटिव थे। अभी भी हम पॉजिटिव है, देखो पिछले 3 साल से इतना धंधा नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या? बरोबर, अब इधर देखो 3 साल से प्रॉफिट बढ़े इनके नहीं बढ़े, तो इसका मतलब ये कि आपने नया हाई भी नहीं देखा होगा, बराबर है? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं बढ़े। लेकिन पेज के नहीं बढ़ेंगे तो फिर किसके बढ़ेंगे? वो डॉलर के बढ़ेंगे क्या? हाई क्वालिटी इज हाई क्वालिटी, राइट? अगर पेज इफेक्टेड है इसका मतलब ये सेक्टर की बाकी कंपनियां भी इफेक्टेड है, बराबर। हमने इसको बरसों पहले एसआईपी किया और मैं इसको 2 साल से मैं इसमें भी एसआईपी करता जा रहा हूँ, अभी भी, बराबर। ये साल भी मैंने इसका माल उठाया है, क्यों उठाया पता चल जाना चाहिए आपको, क्योंकि शेयर करेक्शन में, राइट? तो उससे एसआईपी किस टाइप पे, मतलब डेली ले लेना चाहिए हर महीने की जब ऐसा? डेली तो देखने का ही नहीं ना, देखो आप बिजनेस कर रहे हो, बराबर ना मुन्ना जी? बिजनेस, बराबर। अब बिजनेस कर रहे तो भी एक मेरे ख्याल से एक तारीख रखी होगी जब आप सैलरी लोगे, बराबर कि नहीं? एक पगार लेंगे अपन की, चलो अपने धंधे में से हम, मैं भी ये 5 तारीख को जैसे पगार लूंगा, तो आपने जो डेट डिसाइड की है 5 तारीख को आपके बैंक में पैसा जमा होगा, 6 तारीख को माल आ जाना चाहिए इमीडिएटली, राइट? ऐसा नहीं कि मैं शांति से 10-15 दिन में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा फिर लूंगा, अरे तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके,
ऐसा नहीं है, हम नहीं तो पैसा खर्च हो जाएगा। जैसे पैसा आया हमने उसके रास्ते बना दिए, सीधे इन्वेस्ट कर दिए। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएंगे, बराबर की नहीं? आपकी सबसे बड़ी कंपटीटर कौन है पता है, इन्वेस्टमेंट की कंपटीटर? ये बड़े बड़े मॉल। अगर मॉल में चले गए तो पैसा खर्च करके आ जाओगे, फिर इससे बेहतर है मॉल में जाओ, उससे पहले शेयर ले लो। डन, ओके। तो चलिए, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है पेज ने, उम्मीद रखेंगे हम आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न दे। सब वेरी गुड कंपनी, 150 करोड़ से 3000 करोड़ धंधा, 150 करोड़ धंधा था, आज 350 करोड़ प्रॉफिट करने लगा है। मतलब हम कह सकते तुम जितना धंधा करते थे उतना तो आज हम प्रॉफिट करते, इसीलिए इनके भाव आसमान पे है और चलते जाएं। ओके, सो लेट मी, अमरनाथ जी, मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास जाता हूं और आशा रखता हूं ये एक्सरसाइज से कई चीजें सीखने को मिली होगी, राइट? लेट अस डिस्कस विद मिस्टर सुधांशु। या सुधांशु जी, थैंक यू सर। या थैंक यू अमरनाथ जी। या सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। आवाज मेरा खराब है, पर आई विल मैनेज। ओके, अच्छा, मैंने काफी जगह अपना नाम लिखा और किया, बट कमेंट हर जगह मेरी मिलेगी, मुझे डेटा नहीं मिल रहा है। जैसे सीमेंस का भी नहीं, एशियन पेंट्स देखो तो ओपन एशियन पेंट्स, वो भी 2016 साल तक ही मिला है। ओके, सोच रहा था मिलेगा, राइट? ओके, आपकी सारी सोर्सेस मैंने ट्राई किए। अच्छा, इन्वेस्टर रिलेशन में भी नहीं मिला? हाँ नहीं, वहां भी देखा, एक तो 2004 के पहले नहीं मिल रहा। ओके, और एशियन पेंट इसलिए कि वहां मुझे स्प्लिट वगैरह मिला है, तो होपफुली मैंने जो किया है आप जरा चेक कर ले। ओके, पहले तो मैं ये डेसिमल हटा देता हूँ ताकि हमें आसानी से दिखे। राइट सर। ओके, यहाँ कोई डेसिमल नहीं और ईपीएस में एक डेसिमल हम रखते हैं, बराबर? ओके, मार्जिन तो क्या हो गया? ओके, नो प्रॉब्लम, आ गया। ओके ओके, राइट। चल, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है सुधांशु जी। देखिए, जैसे 2008 में आपका धंधा 4000 करोड़ है और 2009 में 54000 करोड़ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से वो 5456 होगा। हाँ, वो मिलियन टू करोड़ वाला फंडा है, राइट? या एकाद वो हुआ, तो नाउ थिंग्स लुक ओके। या बराबर है सब, एवरीथिंग इज ऑल फाइन। ओके, ये दो बार प्रॉफिट कम हुआ है, दैट आई हैव हाइलाइटेड, बट सेल्स वाज नेवर रिड्यूस्ड, वो बढ़ते ही जा रहा है, राइट? तो सेल्स नहीं घटने का क्या कारण होता है सुधांशु जी? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बरसों से आपका सेल्स कभी भी नहीं घटा, तो महान बात हो गई। ऐसा क्यों एशियन पेंट के साथ हुआ? सर, इनका प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, रिनोवेशन हो या नई बिल्डिंग हो, पेंट तो चाहिए उन, कंजम्पशन अच्छा है, राइट? पर अभी शालीमार पेंट देखते हैं तो उनका धंधा बढ़ता ही नहीं है बरसों से। ओके, है ना? या वैसे ही, ऑफ कोर्स, अभी फिलहाल आई कैन गिव द लाइव एग्जांपल, हमारी सोसाइटी और बाजू की सोसाइटी, बाजू वाले ने एशियन पेंट किया है, वाटरप्रूफिंग पेंटिंग, हमने डॉक्टर फिक्सिट किया है। ओके, तो अब मुझे लग रहा है हमने गलत किया है। ओके, राइट। अभी जब भी आपको कोई ऐसी कंपनी मिले ना सुधांशु जी जिनके धंधे कभी भी नहीं घटते, तो थोड़ा रीचेक कर लेना चाहिए, बराबर ना? क्यों मैं बताऊं आपको सुधांशु जी, क्योंकि हर एक धंधे में कभी ना कभी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे अभी हम अल्ट्राटेक की बात कर रहे थे, बराबर ना, कि अल्ट्राटेक का धंधा किस पे डिपेंड है? नए मकान पे, ना 50% कंजप्शन। हम मानते हैं चलो रोड में भी होगा, बिल्डिंग में होगा, मतलब ये डैम में होगा, पर 50% कंजप्शन रियल एस्टेट। उसी प्रकार से कलर इंडस्ट्री जो है उसमें ज्यादातर 50% से ज्यादातर जो
कलर वपराश होता है वो है डेकोरेटिव पेंटिंग में, मतलब घर में, राइट? जितने ज्यादा घर बनते भी जाते उतना उनको ज्यादा एक बूम मिलता है। अब हम अल्ट्राटेक की तरह इधर भी कह सकते हैं कि थोड़ा मंदी चल रहा है रियल एस्टेट में कुछ समय से, पर एशियन पेंट को ये मंदी नहीं आई। वो डबल है अभी भी, प्रॉफिट नेट मार्जिन एवरेज भी 10% दिख रहा है। सो यस, पर वो उन्होंने मेंटेन इसलिए किया है बिकॉज दे आर एबल टू डू बिजनेस कंसिस्टेंटली। ये एक खूबी होती है बिजनेस करने वालों की कि जो इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो यही फिगर पे खेलते पूरी गेम। उनको नहीं अच्छा लगता है कि मेरा धंधा नीचे आए, उनके पास बहाने नहीं है कि इस साल ऐसा है इसलिए मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा है, इस साल ऐसा है इसलिए धंधा नहीं बढ़ रहा है। नो एक्सक्यूजेस। बाकी ज्यादातर बिजनेसमैन के पास एक्सक्यूज होंगे कि ये है इसलिए यार अभी चलता है, देखो वो व्यापारी भी रो रहा है, ये व्यापारी भी रो रहा है, बराबर की नहीं? राइट राइट। सर एक हो सकता है, आई फील उनके प्रोडक्ट्स ऐसे है कि इट इज नॉट ओनली आउटडोर बट आउटडोर इंडोर दोनों है। हम्म, तो पता नहीं बट मेरे अंदर भी एशियन पेंट है घर के अंदर। करेक्ट। तो पता नहीं, आई थिंक रिनोवेशन में भी आता है, नए बिल्डिंग में भी आता है, सो एशियन पेंट को मिलते ही रहता है। बराबर है, हर कंपनी लेकिन ये नहीं कर पाएगी सुधांशु जी जो आपने एशियन पेंट में देखा, बराबर ना? जैसे अल्ट्राटेक में हमने देखा उनका धंधा नहीं किया। दे हैव कट डाउन द चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डायरेक्टली डीलर को पहुंच जाता है फ्रॉम देयर वैन। अभी ये मैंने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ा है, बट आई विल टॉक टू अ डीलर हुम आई नो। राइट। ये भी किसी डॉटर की दोस्त के पिताजी है, इनको मिलना है मुझे। नेटवर्क नहीं बनाई, डायरेक्टली दे रीच द डीलर। राइट, पर हमें डेटा देके एक चीज माननी पड़ेगी कि यू आर ग्रेट, कि भी तुम इतने साल से कैसे बिजनेस कंसिस्टेंटली कर पाते हो, बराबर कि नहीं? हर साल ग्रोथ, ऐसी कंपनियां लिमिटेड होगी सुधांशु जी, हर एक सेक्टर में कुछ ही कंपनी होगी, एक दो मुश्किल से, जो ये प्रकार से चलेगी। जैसे बैंकों में HDFC बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस में HDFC, इनका धंधा कभी नहीं घटा। या आपने अभी सीमेंट में देखी अल्ट्राटेक, ये सब क्या है पता है? ये रात को सोते भी है ड्रीम लेके इनके प्रमोटर कि भाई नहीं बिजनेस तो करना है, और ये छोटी छोटी कंपनियों को खरीदते जाते हैं, बड़े बनते जाते हैं, क्योंकि इनके सामने है धंधे बढ़ाने का गोल। अपना पैसा भी वही बढ़ेगा जिनके धंधे बढ़ेंगे, तो ये सबसे पहला लक्षण है आपकी अच्छी कंपनी का कि धंधे आपके नहीं घटते, बराबर? आप right, आप अलग अलग लोगों के डेटा देखना सुधांशु जी, जितने भी लोगों ने काम किया है, बराबर ना? आपको इससे बहुत सी जानकारी मिलेगी कि ये अच्छी कंपनियां, हर कंपनी की ये खूबी रहेगी कि वो धंधे नहीं घटने देगी जल्दी। राइट सर? सर एक दो सवाल थे, ये इंट्रिंसिक फी क्या इज दिस अ की इंफॉर्मेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है? इस पे ध्यान रखे बाइंग या यू नो एडिशन एडिंग एडिशनल पोजीशन लेना है तो पी देखना है, या आगे आप और कुछ बहुत कुछ सीखना है? हाँ, अभी हम आएंगे, अभी तो अभी इसका बाकी है, राइट ना? वो नेक्स्ट चैप्टर में अपन जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली इंट्रिंसिक पी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पी नहीं हो सकता है 200 का, यानी कुछ प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है सुधांशु जी, ये 400 और 300 का जो पी दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, राइट? ये क्या प्रॉब्लम है कि जब इनका भाव 4046 70 33, ये जो है ये कुछ मैच नहीं हो रहा है ईपीएस के साथ, इसको आपको रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, आई विल चेक दैट। हां ना, ओके। आपने चार्ट में तो नहीं लिए ना प्राइस? नहीं 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 नहीं, मेरा वो सवाल था कि फाइनली हम एडजस्ट ही कर रहे हैं स्प्लिट या बोनस के लिए, तो चार्ट में एडजस्टेड प्राइस ही है, तो मंथली हाई लो क्यों ना ले? नहीं, वो नहीं ले सकते, लेकिन क्यों कहूं? क्योंकि वो सब एडजस्ट नहीं किया मैंने अभी तक। राइट, वो क्या करता है सुधांशु जी, सारा
प्राइस एडजस्ट कर लेता है, पुराने सब प्राइस बोनस और स्प्लिट, तो उससे क्या होगा कि ये अर्निंग के साथ मैच नहीं करेंगे आपके प्राइस, बराबर? ओके तो आपको ये थोड़ा रीचेक करना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज मेरे को आपसे पूछनी है कि जब ये कंपनी के धंधे हर साल बढ़े तो यहाँ पे क्यों दो बार प्रॉफिट घटे, दिख रहा है आपको? हाँ सर। या कंसिस्टेंट धंधे बढ़े, मतलब वो धंधों में पीछे नहीं है। बट वो जो फैक्टर से कम हुआ है वो कुछ खास परसेंटेज नहीं है, लाइक 884 से 881 इट इज 3 crores, बड़ा है फिगर बट परसेंटेज वाइज इतना तो नहीं हुआ है, बट हुआ है प्रॉफिट कम तो हुआ है, राइट? वो इसमें शायद उन्होंने मार्जिन्स कम किए हो, लाइक यू कैन सी 9.7 से 7.7 हो गया। तो वो क्यों हो गया, उन्होंने नहीं किए होंगे, बराबर ना? वो क्यों हुए होंगे? नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उन्होंने वॉल्यूम्स पे ध्यान देके शायद मार्जिन कम किया हो। आई एम नॉट श्योर, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं। नो प्रॉब्लम सुधांशु जी, इसको हम समझ लेते हैं बिकॉज़ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? ओके। कि कोई भी अच्छी कंपनी है जो अपने धंधे पे इतना फोकस करती है, उनका भी प्रॉफिट पे कंट्रोल नहीं है। ओके। हर एक बिजनेस का कंट्रोल रहता है धंधों पे, क्योंकि वो उनकी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, बराबर है? पर प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल किसी के हाथ में नहीं, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, भाव ही इतने बढ़ जाएंगे, आपको जब पेंट बनाना है तो उसमें वो रॉ मटेरियल तो यूज करना ही, तो आपके पास कोई चारा नहीं है। अब पूरे पूरा रॉ मटेरियल का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो आप अपने एमआरपी पे नहीं डाल सकते हो, नहीं तो फिर सेल्स भी इफेक्ट होगी, लोग खरीदेंगे नहीं। ओके, राइट। तो जब रॉ मटेरियल के दाम बहुत बढ़ते हैं, दैट इज द टाइम मार्जिन घटते हैं, राइट? और जो रॉ मटेरियल होते हैं वो ज्यादातर कॉमोडिटी होते हैं, बराबर है? मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी सम और अदर कॉमोडिटी, राइट? तो कॉमोडिटी के प्राइस कैसे होते सुधांशु जी, रेंज में चलते हैं। यस, जैसे कॉटन जो है, कॉटन कपास, वो एक कॉमोडिटी हुआ, राइट? वो किधर इस्तेमाल होता होगा, कैस्टर ऑयल में इस्तेमाल होता होगा, टेक्सटाइल कंपनियों में इस्तेमाल होता होगा, है कि नहीं? यस। पीआर मिल हो, रेमंड हो, इन सब में कपास का डायरेक्ट नाता है। अब कपास के भाव बहुत बढ़ जाएंगे तो कंपनियों के मार्जिन राइट कम हो जाएंगे सर। पर इस बार तो फसल जबरदस्त थी, इस बार पानी बहुत अच्छा था, मतलब सब डैम फुल थे, तो डैम फुल मतलब फसल फुल, फसल फुल मतलब कपास के दाम कम रहने वाले, क्योंकि डिमांड होगी, सबके पास कपास होगा, सबके पास ये रॉ मटेरियल होगा, तो इसका मतलब टेक्सटाइल की कंपनी में क्या होगा, मार्जिन बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो ये पहले से पता रहना चाहिए हमें, राइट? अब उसी प्रकार से ये एक रेंज में चलते दाम, अगर आज बहुत अच्छे बहुत कम दाम मिल रहे कपास, पर कभी भी मुफ्त नहीं मिलेगा, जीरो तो होगा नहीं वो, राइट? सही। उसी प्रकार से उसके बढ़ने की भी एक सीमा होती है, वो बढ़ने के बाद फिर डाउन आता है, बराबर है? ये रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने और घटने का डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है कंपनियों के मार्जिन और कंपनियों के प्रॉफिट के साथ, राइट सर? एग्जैक्टली। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ योर एशियन पेंट प्रॉफिट आर डिक्रीजिंग, अगर इसके प्रॉफिट घटे हैं तो आप चेक कर लेना, वो दूसरी कंपनियां लॉस मेकिंग हो गई होगी। व्हाट इज माय पॉइंट? इसीलिए हम इसीलिए सुधांशु जी हमें ऐसी कंपनियां चाहिए, ऐसी हाई क्वालिटी कि जो खराब समय में हो सकता है उनके प्रॉफिट एक दो साल ना चले, पर मुझे तो डिविडेंड हर साल चाहिए, कंपनी लॉस में आएगी वो नहीं पोसाएगा मेरे को, तो ये अगर कंसिस्टेंसी चाहिए तो अच्छी कंपनी चाहिए होगी। और ये एशियन पेंट ने प्रूव किया कि हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए, क्रूड के भाव ऊपर गए कि नीचे गए, हमने कभी लॉस नहीं किया,
डन सर? यस सर, यस। इससे हमें आने वाले 30 साल की हिस्ट्री पता चलती है कि आने वाले साल में भी क्रूड को बढ़ने दो, हो सकता है क्रूड का दाम बहुत बढ़ेगा तो इनके मार्जिन घटेंगे, पर हमारी एशियन पेंट लॉस नहीं करेगी, जबकि शालीमार पेंट होगी हमारे पास तो क्रूड का भाव बढ़ा नहीं कि वो पहले से लॉस करने लगी। राइट सर, अभी थोड़ा बहुत ये फंडामेंटल्स के बाद आई थिंक मैं रिड्यूसिंग माय ट्रेडिंग एक्टिविटी और थैंक्स टू यू मैं धीरे धीरे वो बंद ही कर दूं। राइट, बहुत अच्छा अगर वो हो जाए तो। सही है सर, पैसा वैसे बढ़ना ही है, हम एक्टिव रहे कि नहीं रहे पैसे तो बढ़ने ही वाले हमारे, बराबर। राइट राइट, बेसिकली वो क्या है, वो दैट विल गिव इनकम बट नॉट क्रिएट एनी वेल्थ, वो एक्टिविटी मुझे कम करनी है या बंद ही कर दूं। बराबर, एंड और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी प्रॉफिट कमाने की भी, राइट? यस यस, जब शेयर डाउन होता है आप ले लेते हो अच्छे भाव पे, बुक करते हो प्रॉफिट, तो वो भी तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हुई और ये हम सीख पाएंगे धीमे धीमे कि कैसे वो अपॉर्चुनिटीज लेनी यहां से, बराबर। सही है सही है, तो ये इस बैच की टाइमिंग ऐसी अच्छी लगी मुझे। हमने सुधांशु जी की एशियन पेंट चेक की, देखो हर कंपनी की ये निशानी होती है ना, ये चीज खुद की कंपनी में देख लीजिए, प्रॉफिट खुद की कंपनी में देख लीजिए और तैयार रहिए। आपकी अच्छी कंपनी धंधे को नहीं गिरने देगी, फिर भी कभी होगा कि 20-21 साल में एक दो बार धंधा गिरे, तब दूसरी कंपनियों में चेक करो क्या कोई कंपनी है ऐसी जो धंधा भी मजबूत बनाए रखती है, देन दे आर ग्रेट पीपल, राइट? तो कंसिस्टेंसी सेल्स की प्रॉफिट की देखेंगे, ये वेल्थ में काम लगेगी, हमें आने वाले 30 साल का हाईवे क्लियर हो जाएगा हमारा। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स राकेश भाई। यस राकेश भाई। यस सर। या गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया हूँ सर, बढ़िया एकदम मस्त। अभी तो कोरोना शांत हो गया तो हमारी लाइफ एकदम मस्त हो गई। चलो बढ़िया, तो फिर अभी थोड़ा आराम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी थोड़ा रिलैक्स्ड है और काफी मतलब इस पे भी कॉन्सेंट्रेट काफी अच्छा कर पा रहा हूँ अभी। ओके, तो आपने कौन सी कंपनियों में काम किया है? डिविस लैब को ओपन करते है, लिंक नहीं दे पाया, इधर बाजू में ही है, वो कर दूंगा मैं, लिंक कर दूंगा सर। डन सर, तो ये डिविज लैब है, क्या समझाना चाहोगे राकेश भाई इधर? सर डिविज लैब इट्स अ ट्रेमेंडस गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। इनके इनके देखिए सर आप, इन्होंने दो बार तो एक पर एक बोनस दिए है और ये बेसिकली एपीआई बनाती है, और इन्होंने एक डेटा दिया है जो मैंने नहीं लिया पर मेरे को बाद में लगा मैं डाल दूंगा, वो है एम्प्लॉय इंक्रीज का। इन्होंने कंसिस्टेंटली एम्प्लॉय भी इंक्रीज किए हैं, बराबर, और तो वो डेटा मुझे लगता है कि मैं एक बार डाल दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। और पर जैसे मैंने देखा इसमें तो उसका 5 साल से ग्रोथ जो है वो 7.23 के सीएजीआर से बड़ा है इनका सेल्स ग्रोथ, और 20 साल से तो इनका 18.31 के सीएजीआर से, मतलब ऑलमोस्ट 18% के सीएजीआर से उन्होंने 20 ईयर्स से ग्रो किया हुआ है। Okay. तो बेस्ट, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है। Right. पिछले 19 साल में एक ही बार इनका धंधा घटा है, बराबर सर। जबकि फार्मा में जब आप कंपनियां देखोगे तो आपको कंपनियां मिलेगी अच्छी वाली, बड़ी वाली, जिनके 5 साल से वो लोग चैलेंजिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, उनके धंधे नहीं बढ़ रहे 5 साल से, जबकि डिविज में ऐसा नहीं है, डिविज का भी ग्रोथ तो कम ही है, देखो कितना है खाली 60%, है ना? तो 60% ग्रोथ अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम बाकी कंपनी अभी देखते हैं तो पता चलता है बाकी कंपनियों के तो ग्रोथ ही नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री प्यूरी म्यूटेड थी, कोई कंपनियों के धंधे अच्छे नहीं बढ़ रहे थे, वो समय भी अगर ये लोग ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ किया है देन दैट इज गुड थिंग, राइट? इसीलिए यहाँ पे पैसा बना है, बराबर ना? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। तो आपका धंधा 200 करोड़ से 5000 करोड़, मतलब कितना गुना हुआ? 200 से 30 टाइम्स, यस सर। प्रॉफिट 28.8 टाइम्स हो गया। या कितना? 50
या यस सर ओके तो भाव भी कैसा बड़ा हो गया इनका बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बराबर ना ये बोनसेस और ये सब ना गिने तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लोग ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो 10 गुना 15 गुना हो तो उसके लिए ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिनके धंधे 10 गुना होने की ताकत रखते हैं यस सर 10 गुना मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी तोप फोड़ने वाली बात होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है देखो आपकी ये कंपनी 30 गुना हुई है बराबर तो हम इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में है तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आप आज भी जो कंपनी में लगा रहे हो उनके धंधे 10 गुने होने ही वाले हैं तो yes, पैसे sir. कमाने से कौन रोक सकता है आपको बराबर की नहीं बिल्कुल सही है सर बिल्कुल सही है ओके बोनस और सब आपने एडजस्ट कर लिया हाँ हाँ वो एडजस्ट कर दिया है सर ओके बहुत ही बढ़िया कंपनी है और ये इनका जब एक ही बार सेल्स उनके डाउन हुए और प्रॉफिट इनके 4 बार डाउन हुए हैं राइट मतलब वो भी बहुत वो एक लाइन है ना अपनी के सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट वोलेटाइल होते हैं तो एकदम एक्यूरेटली मैच करता है राइट वो हर जगह मैच करेगा क्योंकि प्रॉफिट हमने जैसा अभी सुधांशु जी से बात की कि एशियन पेंट अगर क्रूड यूज करता है तो ये भी कुछ यूज करते होंगे रॉ मटेरियल में यस सर वेरी ट्रू सर तो हर कंपनी का कुछ वीकनेस होती है वो चीज के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं राइट तो गुड वर्क राकेश भाई बढ़िया सर इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन था कि सर जैसे मुझे डिवीज लेबोरेटरी में ही एसआईपी करनी है तो व्हिच टाइम इज द बेस्ट टाइम टू कंटिन्यू फॉर 5-10 इयर्स फ्रॉम हियर राइट देखो अभी का समय अच्छा नहीं है एसआईपी करने के लिए डिवीज में राइट सर क्योंकि डिवीज रॉकेट हो चुका है अभी ह्यूज रैली डिवीज में आई हुई है राइट अब ये टाइम पे एसआईपी करने में मजा नहीं रहेगा करेक्शन right, में आ जाने दीजिए जब डिवीज करेक्शन करता है ना उस समय अपन एसआईपी करेंगे बराबर अभी डिवीज का क्या हाल है पता है अभी ये ताजा ताजा धंधा है ये कितने साल से नहीं चल रहा था यहाँ देखो 1800 और ये चला ही नहीं था पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल से कोई फार्मा की कंपनी नहीं चली थी ना सन फार्मा चला है सन फार्मा तो अभी भी नहीं चला है ना लुपिन चली है ना ऑरबिंदो फार्मा चला है कोई फार्मा की कंपनी नहीं चली अब ये right, जब sir. पिछले right, साल ये निकला है तो अब कम से कम ये 4-5 गुना हुए बगैर रुकेगा नहीं हाँ वो तो सही है सर ना तो अभी इसको नहीं देखे अब इसको दौड़ने दो जितना दौड़ना है इतना ठीक है सर तब तक दूसरी कंपनियां जो करेक्शन मोड में है उसमें ऐसा ही उनको ले सकते हैं राइट सर ओके फाइन सर या थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच राकेश भाई एंड थैंक यू लेट अस डिस्कस विद ओके जयश्री मैडम यस जयश्री मैडम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग मैडम हाउ आर यू फाइन बस फाइन सर या सो कौन सी कंपनी पे बात करेंगे मैडम टाटा इलेक्सी ओके मेरे ख्याल से कल ही विजय भाई टाटा एलेक्सी के रिजल्ट को अपडेट करने वाले हैं टाटा एलेक्सी एक मिनट ढूंढने दो मेरे को यस यस मिल गया राइट मैडम यस क्या जानकारी मिली मैडम इसमें सेल्स इसका एक ही बार घटा है ओके 2010 में और प्रॉफिट 3 बार घटा है राइट जब प्रॉफिट घटा है 2013 में तो वो प्राइस उसके वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उस टाइम प्राइस भी लो हो गई है 2013 में इनके प्रॉफिट ओके देखो 32 के 38 के 21 करोड़ मतलब प्रॉफिट डाउन हो गया तो उसकी इफेक्ट सीधी भाव पे आई राइट ओके जस्ट लेट मी चेक प्राइस मैं थोड़ा भाव देख लेता हूँ एक मिनट प्राइस ये 173 171 ओके मतलब ये पूरा इतना साल तक हमने हायर हाई नहीं देखा बराबर नहीं कितना टाइम हुआ एक यहाँ पे अगर कोई 170 पे लेके फंसा है तो उसको निकलने में 1-2-3-4 साल लगे राइट या
अब ये चार साल तक ये फंसे हुए व्यक्ति को क्या लगेगा, बहुत बुरी कंपनी मेरे पास आ गई है, हाँ. है ना. पर क्या टाटा एलेक्सी ये चार साल लॉस कर रही थी मैडम? कि प्रॉफिट कर रही थी? नहीं, उनके मार्जिन्स भी कम है. मार्जिन कम है लेकिन कंपनी लॉस में आ गई थी कि कंपनी प्रॉफिट कर रही थी ये चार साल भी? अभी वो कैसे समझ में आएगा, यानी चार से मैडम? देखो, आप ही ने डेटा डाला है कि कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट किया, 32 करोड़, 38 करोड़, 20 करोड़. तो चारों साल प्रॉफिट प्रेशर में था, पर प्रॉफिट हुआ था. कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया. किया है मैडम कभी भी लॉस? नहीं, नहीं. यही वो टाइम होगा मैडम जब इसके साथ वाली जितनी भी कंपनी आए ना, वो लो क्वालिटी जिनको आपने पहले ही निकाल दिया है, हाँ, वो हाँ. सब कंपनी ये समय पे लॉस कर रही होगी, राइट? अच्छा, तो यही समय होता है चेक करने का. बुरे समय में जब बाकी कंपनियां लॉस कर रही है, तब अगर आपकी कंपनी टिकी भी हुई है, एटलीस्ट प्रॉफिट कर रही है, इसका मतलब योर कंपनी इज स्ट्रॉन्ग कंपनी. ओके. ये चार साल हम, मैं मानता हूं कि आपका शेयर नहीं चला, पर आपको चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि आपको डिविडेंड मिलता जा रहा था, कंपनी लॉस में थी नहीं, राइट? ये टाइम पे टाटा एलेक्सी मेरे पास भी था और शेयर नहीं चल रहा था, पर मेरे को कभी चिंता नहीं हुई ऐसी. अच्छा. ना, क्योंकि मैं अपने आप को ये पूछता था मैडम कि चलो बेच दो, चलो टाटा एलेक्सी को, पर इसको बेच के किधर जाएंगे? हाँ हाँ टाटा एलेक्सी को बेच के फिर और कौन सा शेयर खरीदेंगे अपन? ये टाइम पे सारी कंपनियों के हाल ऐसे थे, कोई कंपनियां नहीं चलती थी, बराबर ना? अच्छा. तो खाली कोई शेयर चल नहीं रहा, इसलिए मैं इसको बेच दू, वो सब चीजें वो ट्रेडरों के काम की, वो अपने काम का नहीं है. अब ये टाइम पे अगर मैंने इकट्ठा किए, SIP किया, तब जाके आज मेरे को खुशी हो रही है ना कि चलो 2000 रुपया भाव है, हम तो 100-100 रुपीज पे लेके बैठे हुए हैं. तो 20 टाइम्स अगर इसने पैसा करके दिया है, देन दैट्स वेरी गुड. क्यों हुआ मैडम? क्योंकि ये टाइम पे जब सब घबराए हुए थे, तब हमको चिंता नहीं थी. अच्छा. तो आप अपने आप को क्या क्वेश्चन पूछते हो, उससे वेल्थ डिपेंड करती है, राइट? इफ यू विल आस्क योरसेल्फ रॉन्ग क्वेश्चन कि मुझे क्या मिला इन 2 सालों में, कि इस साल तो नहीं मजा आएगा, बराबर? अच्छा. क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ऐसे FD की तरह नहीं चलते, हर साल 60%. कुछ साल आप खराब भी देखोगे जब आपको कुछ नहीं दिखेगा. बिजनेस में जब ग्रोथ आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, ये जो देखा ना आपने ग्रोथ, हाँ हाँ बराबर. देखो मेरी ये कंपनी जो 20 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, उसने पिछले साल कितना प्रॉफिट किया? 250 करोड़, है ना? तभी तो पैसा भी 10 गुना हुआ, बराबर. राइट. इसके लिए हमें ये एडवांस में समझना होगा कि क्वालिटी कंपनी कौन सी और ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी. ये दोनों सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे ना, तो फिर हम यही घूमते रहेंगे, ये बेच के वो लिया, वो बेच के तीसरा लिया, और फिर 15 साल बाद अपने आप को पूछा कि क्या हुआ शेयर बाजार में. अच्छा, राइट ना? यस सर. तो आस्क योरसेल्फ राइट क्वेश्चन. तो कभी भी हम डिमोरलाइज नहीं होंगे. मेरे को कभी भी डिमोटिवेशन होता ही नहीं. 3 साल से बाजार नहीं चल रहा था, बराबर ना? पर इसमें क्या डिमोटिवेट होने का, वो तो खुशी की बात थी, इकट्ठा कर सके. अब देखो बाजार चलने लगा तो कितना अच्छा लगता है सबको. अब मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार बाजार चल गया, अब कब माल इकट्ठा करेंगे, बराबर? तो यही थिंकिंग पे आप देखोगे सेल्स प्रॉफिट ट्रैक करते जाओगे तो भाव ट्रैक करने की जरूर नहीं पड़ेगी, बराबर ना मैडम? एक सवाल है, 2000 में सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे लेकिन उसकी प्राइस कम हो गई है, कब की बात कर रहे हो मैडम? 2009. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन मैडम. देखिए 401 का 418 करोड़, राइट? यानी कितने परसेंट ग्रोथ हुआ? वो हार्डली 5-10%, नथिंग, 4-5% ग्रोथ, कुछ भी नहीं है, बराबर ना? हम क्या उम्मीद रखते हैं, जैसे 185 to 236 करोड़, यानी ये कितना ग्रोथ है? अच्छा, हाँ हाँ,
236 से 307 करोड़ हाई ग्रोथ, 300 से 400 अगेन हाई ग्रोथ। तो अच्छा, ये आप देखोगे कि आपकी जो अच्छी ग्रोइंग कंपनियां होती है ना, वो 30-30% से बढ़ रही होती है, फिर एक टाइम आता है 2-3 साल उनका ग्रोथ म्यूटेड हो जाता है। पर तब घबराने का जरूर नहीं, इट्स ऑल राइट, बराबर ना। ये वही हुआ, ग्रोथ कम हुआ, प्रॉफिट भी कम बढ़े, तो भाव पे इफेक्ट आ गई सीधी। आई यहाँ पे आपका 182 वाला 38 रुपीज आ गया था, आया था नहीं या नहीं? क्यों उस टाइम आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठते हो, जैसे अभी हम लोग आज एक्सपेक्ट करके बैठते हैं डीमार्ट से, टीसीएस से, कि इनके तो धंधे जबरदस्त बढ़ने चाहिए, तो बढ़ते भी है, पर वो हर बार नहीं बढ़ते, फिर एक टाइम आता है जब कम बढ़ते हैं तो सीधा भाव पे इफेक्ट आती है उसकी, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को क्या करते हो, लोवर करते हो। बराबर, जो भी हमारी रिलायंस इंडस्ट्री में यही बात हुई शुरुआत में, कि एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट तो सीधा भाव पे इफेक्ट। मैडम लेकिन फिर जैसे जैसे इनके धंधे बढ़ने लगे, वैसे वैसे आप भाव में भी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो देखने लगे। देखो यहाँ वापस प्रॉफिट नहीं बढ़े, है ना, 48 करोड़ का प्रॉफिट 32 करोड़, तो आपके शेयर ने भी हायर हाई नहीं लगाया है ना 4 साल तक। फिर जैसे लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आया इधर 72 करोड़, यानी क्या हुआ, दिस इज लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, प्राइस बढ़ गई उसकी, तो प्राइस भी आपका 334 हो गया, यानी 10 गुना हो गया प्राइस, बराबर। कभी भी डबल भाव हो जाता है आपका, 2 गुना भाव हो जाता है, आप बार बार पोर्टफोलियो खोल के देखोगे, मत करो ऐसा, नहीं तो आप डबल भाव पे सोचोगे चलो थोड़ा तो बुक करूं, नहीं तो इधर से नीचे आ गया। तो अगर हम रोज देख देख करेंगे तो फिर ये 10-10 गुना शेयर को होने नहीं देंगे। 10 times रैली इज अ नॉर्मल रैली इन स्टॉक मार्केट, ये आपके साथ 1-2 नहीं बल्कि कितने शेयर में होने ही वाली है। बराबर मैडम? यस सर। या ओके, सो थैंक यू वेरी मच जयश्री मैडम, और आशा रखूंगा ये पूरे बिहेवियर को माइंड में कंसीव कर लेंगे, भविष्य में कभी भी शेयर गिरता है चिंता नहीं करेंगे। बराबर मैडम? यस सर। ओके थैंक यू। लेट मी चेक, अरे डैनी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर पाओगे क्या डैनी? कर दिया आप इसमें। हाँ डैनी, कैसे हो यार? बढ़िया। ओके डैनी, टाटा एलिक्सी तो तुम्हारे पास भी है ना, कब खरीदे थे तुमने? 2010 में। 2010, अच्छा 2010 में, मेरे को ऐसा कि 2015-16 में लिए होंगे, 2010 में आपने टाटा इलेक्ट्रिक, नहीं ओके 2010 में लिया था, तो इसके बाद तो शेयर बहुत बार चला ही नहीं, तो डर नहीं लगा? नहीं चला है सर। हाँ नहीं लगा था ना उस समय, अभी भी नहीं चल रहा था, देखो ये 4 साल से मंदा पड़ा हुआ था, ये तो अभी चला 2 महीने में, बीच में चल के ऊपर 1400 मार्क, फिर 575 में भी आया था। हाँ यहाँ पे ये कोरोना में ही, कोरोना के समय वापस 600 आ गया, 1500 से 600 आया, तो डर नहीं लगा डैनी? नहीं लगा खुद तो सोचा होगा यार, नहीं यार ये तो कितने घट जाते हैं शेयर यार, नहीं लगा? लगा था, पर भी वो नहीं बेच पा, क्योंकि वो फंड में राइट, तो टेक्निकल देख के खड़ा रहता था। तो अभी कब बेचेंगे, अभी तो ब्रेकआउट दे दिया है, अभी अभी तो बहुत बाकी है। देखो कल रिजल्ट आने वाले हैं, अगर कल के रिजल्ट ऐसे आए 30-35% से प्रॉफिट बढ़ता है, टाटा एलिक्सी को तो चलना ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बराबर ना? चलना ही है सर, ये 45% से बढ़ा है इस 9 months में। अरे विजय भाई आप तो एकदम रिजल्ट पे ध्यान करके बैठे थे क्या, कब आ रहा है? विजय सर का कल होमवर्क भी है ना वो। हाँ कल विजय भाई को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहिए सब लोगों को, कल विजय भाई का एकदम प्रेजेंटेशन है। कितना विजय भाई प्रॉफिट आया? 45% से। ओके, लेकिन Q1 में H1 में कितना था देखा था आपने? H1 में 50 था, एंड
Q1 में भी 40 था. ओके, मतलब 40, 41 और अभी कितना 45? 40, 50 एंड 45. ओके, तो मतलब ये नहीं कह सकती कि रिजल्ट उम्मीद से दुगना है एज पर एस्टिमेट. सर जो पूरे साल जितना उन्होंने पिछले साल किया था उतना तो ये 9 months में इन्होंने दे दिया है. बराबर है, तो मतलब इस साल यहाँ पे आप क्या उम्मीद करोगे? 250 करोड़ के सामने 300 करोड़ पार? 350 पार. 350 करोड़ पार, बढ़िया. चलो चलो, गुड न्यूज दिया विजय भाई ने. लेकिन विजय भाई, धंधा देखा ना आपने? हाँ, धंधा 10% से ही कंटिन्यूस एक 10% से चल रहा है, जबकि मैं वो सारे धंधे बंद थे, दुनिया के सब कुछ बंद है, अपना जीडीपी वगैरह सब माइनस में है. ओके, स्टिल ये 10% से चले जा रहा है. बराबर है. और अभी भाव कितना है इसका? अभी है सर 2000 से ऊपर है. हाँ, 2000 के ऊपर है ना, तो वैसे भी विजय भाई 600 का 2100 यानी 3 गुना तो ये एक साल में हो गया, 1.5 साल में. बराबर ना? यस सर, यस सर. 10% से धंधे बढ़े, 50% से प्रॉफिट बढ़े, तो H1 में भी उतने ही थे, 9 month में भी उतने ही है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं है. और सर उनके मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी बुलिश है, वो कह रहे हैं कि अच्छा, इसी तरीके से इन फ्यूचर आल्सो वी विल कीप दिस मोमेंटम. ओके, पर ये तो आपने जो उम्मीद किया था वैसे ही आए बोलेंगे विजय भाई, उम्मीद के मुताबिक, उम्मीद से दुगना नहीं और उम्मीद से खराब भी नहीं, तो एज पर एस्टिमेट. बराबर ना? यस सर, एज पर एस्टिमेट. ओके, अगर ऐसा होता ना विजय भाई की H1 में प्रॉफिट 10% से बढ़े होते और 9 month में अभी जो रिजल्ट आए उसमें 50% से प्रॉफिट बढ़े होते, तो कलम क्या देखते? एकदम सर, वो भीम वाला कैंडल लगता. 20% अप. बराबर ना? लेकिन चलो, टाटा एलेक्सी में ऑलरेडी मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट घटेगा भी नहीं, मतलब कंसिस्टेंट रहेगा. मैं आशा रखता हूँ कि 3000 रुपया आ जाए अगले ही साल, तो चलो 3000 आ जाएगा अभी. चलिए बढ़िया विजय भी, थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए और कल के प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू जयश्री मैडम एंड लेट अस डिस्कस विद मुकेश मिश्रा जी. यस मुकेश जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. नमस्कार सर. या नमस्कार, कैसे हो आप? बस ठीक, एकदम बढ़िया. या तो कौन सी कंपनी पे चर्चा करेंगे मुकेश भाई? किसी पे भी कर लीजिए, HDFC, PD Light, Havels. ओके, बढ़िया, मस्त. आपने आपने डॉक्टर लालपतले पे भी काम किया है ना? चलो HDFC. ओके, क्या सीखने को मिला मुकेश भाई जब आपने HDFC को ट्रैक किया? वैसे तो नहीं बता पाऊंगा क्या सीखने को मिला. आप देख, क्योंकि इसमें तो कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में जाता जा रहा है, फ्लक्चुएशंस भी नहीं है इसमें, कहीं पे कुछ भी नहीं है इसमें. बराबर, राइट. तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे मुकेश जी कि ये भी उन्हीं में से एक है जिनका धंधा कभी नहीं घटा. जी, तभी तो ये लोग लीडर बनते हैं. हाँ जी. बाकी DHFL का क्या हुआ, इंडिया बुल हाउसिंग का क्या हुआ? बराबर ना? क्या हुआ? देखो, अच्छे समय में आप सब लोग धंधा करते थे, पर बुरा समय कब आया? जब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड हो गई 3-4 साल से. तो जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी म्यूटेड, तो इंडिया पे भी इफेक्ट आई. इंडिया पे इफेक्ट आई तो कुछ लोग डिफॉल्ट हुए, और कुछ लोग डिफॉल्ट हुए तो आपकी कंपनियां ही प्रॉब्लम में आ गई. तो बुरा समय बुरा नहीं है, बुरा समय आपको ये सिखाता है कि कौन आपको लंबे समय के लिए साथ देने वाला. राइट और रॉन्ग मुकेश जी? बिल्कुल ठीक. अगर ये बुरा समय नहीं आया होता तो आपको DHFL और HDFC में डिफरेंस पता नहीं चलता. आप हमेशा हमसे आर्ग्यू करते हैं, नहीं पीयूष भाई DHFL भी बढ़िया है, नहीं पीयूष भाई इंडिया बुल हाउसिंग भी बढ़िया है. लेकिन बुरा समय हमें वो सिखा सकता है जो अच्छा समय नहीं सिखा सकता है. जी बिल्कुल, राइट. तो ऐसी ही कंपनियों पे ध्यान दो जो आपकी सोच के हिसाब से चले.
कंसिस्टेंट धंधे बढ़े, प्रॉफिट इनके खाली एक बार डाउन हुए है ना, खाली इधर, और वो भी बहुत माइनर से डाउन हुए, कोई ज्यादा बहुत बड़े ऐसा नहीं कि हार्डली 5% डाउन हुए, वो भी ज्यादा नहीं। इसीलिए इस कंपनी ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिए, बराबर ना जी। आपका 20 गुना भाव हुआ इसीलिए क्योंकि इनके धंधे और प्रॉफिट भी वैसे ही बढ़े जी। और एक्चुअली इंट्रिंसिक पीई जो मैंने निकाली है 20, हाँ? काफी टाइम उसी पीई के नीचे अवेलेबल बार बार हर साल होता रहा, बराबर है। तो हम लोगों का पीई देख करके जो हमने इंट्रिंसिक पीई निकाली और जो अभी एट प्रेजेंट पीई चल रही है, अगर हम उसको देखें तो हमारे को एसआईपी करनी चाहिए या एक लमसम उसके अंदर बाई करनी चाहिए, वो डिसीजन लेना आसान ही है ना मुकेश भाई, शेयर बाजार एकदम आसान है पर मुश्किल बना देते हम लोग। आपको हर 3-1 साल में बढ़िया मौका मिलता है हर एक कंपनी को बाय करने का, पर हम वो बढ़िया मौके जब मिलता है ना तब कुछ और देखते, तब हम पे पैसे नहीं होते ना। बिल्कुल सही बात बोली है मुकेश भाई आपने। देखो कंपनियों को क्यों प्रॉब्लम आते, क्योंकि पैसे कम हो गए, तो हमारे भी तो पैसे तभी कम होंगे, इसीलिए अच्छे समय में पैसे को सेव करते जाए लिक्विड फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, बराबर ना। ये जो HDFC के जो चेयरमैन है खुद इनका यही कहना है कि हमने बहुत अच्छा समय देखा इतने दशकों में, पर हमने अच्छे समय में हमारे रिजर्व को भरपूर तगड़ा रखा, ऐसा नहीं हुआ कि पैसे आए और हमने बांट लिए, चलो ज्यादा पैसा बांटो 80% डिविडेंड दे दो, ऐसा हमने नहीं किया। इसीलिए 3-4 साल से हाउसिंग फाइनेंस नहीं, ओवरऑल नॉन बैंकिंग हाउसिंग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC बोलते हैं वो सब प्रॉब्लम में चल रही है, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने खराब समय के लिए ही इन पैसे को रखा था, राइट। हम जी, इसको क्या कहते हैं बताए मुकेश जी, इसको लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं जी। 3 साल से जो फाइनेंस की कंपनियां हैं वो लिक्विडिटी क्रंच में है, क्योंकि उनको खुद को फंडिंग नहीं होता है, उनको सस्ती लोन नहीं मिलती है। हाँ जी। और अगर उनको फंडिंग नहीं होता है तो वो आगे फंडिंग अच्छा नहीं दे पाते जी, बराबर ना जी। ये 3 साल से चल रहा है पर HDFC को कोई प्रॉब्लम नहीं आया जी सर, राइट जी। तो हम जब इन कंपनियों के रिजल्ट को स्टडी करते हैं इससे हमें हमारे इंडिविजुअल भी इन्वेस्टमेंट लेसन मिलते हैं, बराबर ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके साथ में और एक कंपनी भी देख लेता हूँ मुकेश जी, या आपकी पीडी लाइट जी। यस, पीडी लाइट, क्या कहोगे पीडी लाइट के बारे में? पीडी लाइट में HDFC से कंपेयर करें तो कई बार इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, काफी बिजनेस में भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक फार्मूला तो खैर वो सब पे ही लागू होता है कि प्राइस अपना हाई और जो लो है वो आधा तो हो ही जाता है, करीब करीब सभी का हो जाता है। क्या मतलब हमें अच्छी बाई करनी है तो हर कंपनी में 1-2 साल के अंदर में हमें अपॉर्चुनिटी वेट अगर हम करें तो अवेलेबल है, और हमें मतलब मेन वही होता है, लेकिन क्या होता है जब यूफोरिया होता है ना मार्केट में तभी सब बाई करने निकलते हैं, तो अपने पास भी ऐसे ही हो जाता है कि उसी टाइम बाई कर देता है, तो वो एक साइकोलॉजिकल चेंज टाइम के संग संग जब हो रहा है और हो जाएगा वही एक मेजर डिफरेंस आएगा। वो एक कहावत है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जी, कहावत को याद रखने की, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब हर 3 साल में एक बार फॉल आएगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर 3 साल में आपको 25-30% तो नॉर्मल करेक्शन उतना तो मिलने ही वाला है, आप कोई भी कंपनी उठा लो, बस उतना वेट करने की अपने अंदर जो हैबिट नहीं है वो डेवलप करनी है, वो डेवलप करना और वो आ जाएगी। हमें कभी कभी क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जिसकी वजह से हम हैबिट भी नहीं क्रिएट करते, पर जब हमें इन्फॉर्मेशन पे कॉन्फिडेंस होता है तब हम हैबिट भी अच्छी क्रिएट करते हैं। हाँ, डेफिनेटली डेटा दिखता है तो डेटा अपने आपको डायरेक्शन तो देता ही है कि क्या करना चाहिए। हाँ, तो ये हैबिट अच्छी आने ही वाली है, और अभी तो डेटा होता ही नहीं था हमारे पास, खाली अंधेरे में लाठी मार रहे होते थे। तो पीडी लाइट की आपने एक चीज बोली ना कि HDFC जैसा नहीं, लेकिन देखो इसका धंधा आप देखो जी, 1 साल नहीं है जब धंधा घटा है, तो ये अपने सेक्टर का HDFC है, अपने सेक्टर का HDFC है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। बाकी उससे अगर हम डायरेक्ट वाला डिफरेंट सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो वहां आकर के डिफरेंस आ जाता है डेफिनेटली। और ये प्रोडक्ट इनकी ऐसी है ना
कि जिनका प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत वॉलेटाइल होता है, तो वो रॉ मटेरियल की वजह से प्रॉफिट में बहुत उतार चढ़ाव होने चाहिए, पर फिर भी इतने उतार चढ़ाव नहीं है, ना एशियन पेंट में है ना पेडीलाइट में है, ये दोनों के प्रॉफिट उतार चढ़ाव होने चाहिए। जी जी, लेकिन ये दोनों देखो 20 साल में खाली दो बार प्रॉफिट घटे घटे। मैं आपको मैं आपको दो डायलॉग बताता हूँ मुकेश भाई। एक मैं आपको ये कहता हूँ कि 20 साल में खाली दो बार प्रॉफिट घटे है जी, और दूसरा डायलॉग 20 साल में मैंने खाली दो बार लॉस किया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस हो गया, एक में लॉस वर्ड आ गया, एक में प्रॉफिट घटना आ गया, तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप। तो जब आपको कोई कंपनी एक्सप्लेन करने आएगी ना, वो आपको ये भी बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं, देखो 20 साल में खाली दो बार हमने लॉस किए, बाकी वी आर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। उनके लिए ये भी कंसिस्टेंसी है कि 20 साल में खाली दो बार लॉस किए। हाँ नहीं, वैसे औरों से तो बेहतर ही है वो, क्योंकि बहुत से तो ऐसे हैं जिसने 20 साल में दो बार प्रॉफिट किया होगा, भी कंपनी होंगी बहुत सी, तो ऐसी भी होंगी। तो अब उनको अगर जब हम पीडीलाइट से कंपेयर करते हैं तो नॉन कंपेरेबल कंपनी हो गई। कहाँ पीडीलाइट जैसी ऐसी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट को पकड़ के रखती है, नहीं मिलती हमें ऐसी कंपनियां। मैं तो बरसों से ढूंढता हूँ अलग अलग सेक्टर में, पर कम कंपनी है ऐसी, HDFC, पीडीलाइट, एस्ट्रल पॉली, सुप्रीम इंडस्ट्री, मतलब ये जो आपने लिस्ट बनाया है ना, ये सब मोतियों का लिस्ट है। ऐसी कंपनियां मेहनत करने से भी नहीं मिलती है। मगर एक चीज है, ना HDFC ने ना पीडीलाइट ने ना तो बहुत बार बोनस दिया है ना ज्यादा स्प्लिट करा है, तो उस वजह से जो इनका लीनियर नजर आ रहा है हमारे को पी में या अपना प्रॉफिट के अंदर में, अगर हम प्राइस में देखते हैं तो जैसे रिलैक्सो में हमने देखा था वो देखने के 800 था लेकिन एक्चुअली तो 16,000 था वो, बराबर है। मगर यहाँ इसमें ऐसा नहीं हो पाया, इसमें पीडीलाइट में खाली दो ही एक ही बार उन्होंने बोनस दिया है, तो ओनली मल्टीप्लिकेशन 2 ही आ रहा है इसके अंदर में, तो रिलैक्सो का जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है एज कम्पेयर टू पीडीलाइट। नहीं ऐसा नहीं होगा, क्या होगा देख लेते एक बार। देखो कंपनी का प्रॉफिट 48 करोड़ था और ईपीएस 1.9 था, राइट जी, तो 122 करोड़ के प्रॉफिट पे इनका ईपीएस कितना होना चाहिए, ये आपने देख लिया 44 करेक्ट है जी। मैं चेक करता हूं, राइट, मैं वापस वही थियरी पे जाता हूं, 48 करोड़ पे 2 का ईपीएस, तो 1122 पे कितने का, इज इक्वल टू 1122 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपया डिवाइड बाय 48। रियल ईपीएस आपका बिल्कुल सही है जी, 45 का, ऐसे ही कैलकुलेट किया था मैंने भी, राइट, गुड। अब 45 का ईपीएस मतलब 2 रुपए का ईपीएस कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख दू 45। हाँ जी 45 लिख दीजिए। कितना गुना बढ़ा है? 22 गुना या 22 टाइम्स आपका प्रॉफिट बढ़ा है। तो एक सीधी थियरी बनती है, अगर 22 गुना प्रॉफिट बढ़ा है तो भाव कितना बढ़ा हुआ होना चाहिए? भाव भी तो मल्टीप्लाई उसी से कर देना चाहिए अपने को, 20-22-25 गुना बढ़ा हुआ होना ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। मगर वहां देखें तो 705 से जो है 1710 आया और बोनस एक ही बार मिला, राइट, तो मतलब ये इनका रियल प्राइस है 3420 और 2180 जी, तो भाव इनका 5 गुना बढ़ा, हाँ जी, हाई, और लो इनका 14 गुना बढ़ा जी, बराबर, हाँ जी। कभी भी स्प्लिट नहीं किया इसको? नहीं किया, सारा ढूंढ लिया मैंने अच्छे से, 100% श्योर जी। वहां पे भी देख लीजिए ना आप ईपीएस में, कहीं भी ईपीएस से मैच कर लेते, कहीं सिचुएशन ही नहीं आई ऐसी जहां पे इसका स्प्लिट नजर आता है, कुछ नजर आता है। ओके, इधर देख लेते कि किधर गिरा है क्या बहुत। इधर ऐसा कैसा हो गया मुकेश जी, 750 का खाली 73 रुपीज, ये तो फिर इन्वेस्टर मर गए होंगे ये टाइम पे। 462 से 73 आकर के 750 गया हो, ये भी हो सकता है ना। देखो 250 से 472,
472 से 73 और 73 से 749 10 टाइम्स और उसके बाद है 74 उसके बाद फिर अगेन 74 आया नेक्स्ट ईयर में ओके और यहाँ पे इस साल में मैं देखो हो सकता है बोनस नहीं मिला बराबर है ओके प्रॉफिट और आपका जो पी है वो 200 आ रहा है यहाँ पे हाँ इस जगह पे 200 आया है पी ओके तो ये फर्स्ट टाइम तो 367 आ रहा था ये 200, 150, 169 and 111 राइट यहाँ पे कुछ चेक करना पड़ेगा लगता है 91 करोड़ का प्रॉफिट 3.6 का ईपीएस 7 करोड़ 61 करोड़ ओके एक मिनट डिलाइट इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है ये आपने देखा कब इसने स्प्लिट किया है ये 2000 से पहले ओके पक्का अभी देख लेते हैं यहाँ पे आपने ओपन ओके यहाँ पे डेटा नहीं है लेकिन चलो इधर से पता चल जाएगा फेस वैल्यू दी हुई है क्या ये रही ना फेस वैल्यू हाँ इधर भी 1 रुपया तो मतलब 2008 में भी 1 रुपया ही था किया था ना इन्होंने स्प्लिट कब किया था सन 2000 में हमारे डेटा लेने से पहले ओके ऐसा है ओके ओके चलो चेक कर लेते नो प्रॉब्लम इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ क्योंकि 200 150 का भी जो पी है वो थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है 2001 में तो 367 पी दिखा रहा है हाँ तो ये थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा इसको चेक कर लेंगे नो प्रॉब्लम बराबर चलिए नो प्रॉब्लम और कंसिस्टेंट सेल्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट और प्राइस इसका थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा अपने को बराबर है मैं भी दोबारा चेक करूंगा आप भी देखिएगा मैं भी देखूंगा ओके एक यहाँ पे मैं देख लेता हूँ PIDILIT ओके देखो ये एक जगह है जहां से आप प्राइस चेक कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने 2011 और ये मैंने 2000 के प्राइस डाले और एक यहाँ पे आज का तारीख डाल दिया सबमिट जी ओके इसका प्राइस था 2001 में बोनस और स्प्लिट एडजस्टेड 8 रुपीज 2001 में राइट और अभी क्या प्राइस है 1800 हमारे हिसाब से प्राइस था 82 और 367 जी उनके हिसाब से 8 रुपीज बराबर 10 रुपए किलो इसको वो उन्होंने 1:10 तक कर दिया था ना ये 2000 में हमने 2001 से डेटा लिया पर ये 2001 का प्राइस है 2001 का तो 2001 में भी मतलब 8 रुपया ही बता रहा है बराबर ना तो अगर 10 रुपया बता रहा है यहाँ पे प्राइस और अपने केस में 80 है ये इस सॉरी अपने केस में तो 70 रुपीज और 150 रुपीज भाव बता रहा है यानी प्राइस में कुछ प्रॉब्लम भयंकर है मुकेश भाई इसको रीचेक करना पड़ेगा जी इन रियल सेंस अगर आप बोनस स्प्लिट को एडजस्ट करो ना तो ऐसा होना चाहिए 10 रुपए वाला 1800 आया
देखो आपके सामने ही हमने चार्ट देखा, 10 रुपीज की प्राइस अगर आज 1800 है तो यानी ये रियल सेंस में कितना बड़ा है? 180 टाइम्स, 200 गुना। तो 200 गुना मतलब तो कमाल हो गया है, जबरदस्त पैसा बना के दिया है इसने। हमको सबको लगता है ऐसा ही है कि कमाल किया है, लेकिन जो डेटा मेरे को अवेलेबल हो पाया उसके बेस पे दिक्कत नहीं, पर इसमें प्रॉब्लम है मुकेश भाई, इसको रिचेक करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मेरे भी मानने में नहीं है। अगर कोई कंपनी ने धंधा अगर उसका 15-20 गुना से बड़ा है, प्रॉफिट अगर उसका 21 गुना से बड़ा है, तो भाव 20 गुना से बढ़ना ही चाहिए जी, राइट? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि खाली 5 गुना से भाव बढ़ेगा, बराबर? अभी इसको रहने दूं मैं 10 रुपया यहाँ पे, ताकि आप रिलेट कर सको, बराबर ना? राइट, ओके, चलिए बढ़िया। तो फिर इसको थोड़ा हम रिचेक कर लेंगे, एंड नाउ लेट मी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, मुकेश भाई, बराबर? जी सर, ओके, थैंक यू। या हमारी बात हो चुकी है सुधांशु जी, मुकेश जी, दीपक शेलके, यस दीपक भाई, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम, चांगला, बढ़िया बढ़िया, ओके, बढ़िया। हाँ, कौन सा कंपनी ओपन कर रहे हैं दीपक भाई? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, क्या बात है, जबरदस्त कंपनी पे काम किया बजाज फाइनेंस, ओके। क्या समझ में आया दीपक भाई, बताइए, जब आपने ये सब डेटा स्टडी किया? सर मुझे ना अभी 2003-04 के नीचे ना डेटा मिल नहीं रहा था, वो पुराने स्टूडेंट है ना, उनका में डेटा मेरे पास था तो वो मैं डाला है, मगर वो मुझे मार दिया आपने, यू नो सर, रिलेशनशिप है, रिलेशन, हाँ, तो उसमें मिला नहीं वो, तो कैसे लेने का वो? इन्वेस्टर रिलेशंस, वो ही एक जगह है, मगर वो उधर मिला नहीं ना वो सर, और कोटक में भी है ना, उधर भी वैसे है, वो मेरे को प्राइस बहुत मिला हाई और लो, पर डेटा है ना सेल और प्रॉफिट का वो मिला नहीं कोटक बैंक। एक मिनट, बजाज फाइनेंस, कौन से नहीं मिल रहे थे आपको? 2004 के नीचे, 2004 के नीचे, ओके। आखिरी एनुअल रिपोर्ट कौन सा मिला आपको? देखो यहाँ पे सब 10 साल के एनुअल रिपोर्ट है, बराबर ना? और हर एक साल में ये कितने साल का डेटा देते हैं? चार साल का देते हैं सर, ओके। इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफ बजाज फाइनेंस, ओके। चलो देख लेना पड़ेगा मेरे को, बाकी इन्हीं सब जगहों से मिलता है, बराबर ना? कोई बात नहीं, चलिए ये चेक कर लेंगे और मैं अपडेट कर दूंगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा सर। कोटक में, कोटक बैंक है ना, उसमें हाँ, भी ऐसा ही हुआ है, हाँ, उसमें भी मुझे डेटा नहीं मिला, प्राइस मिला है, बेस इंडिया से प्राइस मिला है, मगर वो सेल्स प्रॉफिट वगैरह जो है ना वो नहीं मिला है। कितने टाइम के मिले आपको कोटक बैंक के? 10 साल के मिले, 10-12, 8-10 नहीं, इससे तो ज्यादा मिलने चाहिए, हाँ सर, इतने कम साल के नहीं होंगे, ओके, चले नो प्रॉब्लम। अभी जो डेटा मिला उसमें क्या किया?
बढ़िया है सर, मगर और एक मुझे क्यूरी थी सर, हाँ हाँ, जो लाख करोड़ बिलियन वो होते हैं ना, जो करोड़ में करना पड़ता है ना, तो हाँ, बिलियन थाउजेंड और लाख, वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है मैं कि वो कैसे करने का। ओके, देखो ये जैसे बजाज फाइनेंस है, चलो यहाँ पे वो प्रॉपर आपको लाइन में डेटा नहीं मिल रहा है, ऐसी कंपनी देखता हूं जहां पे प्रॉपर लाइन में डेटा मिले आपको। एचडीएफसी बैंक, ओके। अब ये है, ये पूरे डेटा करोड़ में, यहां लिखा हुआ है करोड़, 1,14,000 करोड़, नेट प्रॉफिट कितना है 27,000 करोड़। अब इसको अगर मिलियन में करना होगा तो ये एक डॉट ऐड हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, देखो मैंने मिलियन में चेंज कर दिया तो ये कितना हो गया, एक डॉट खाली ऐड हुआ ना यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जगह पे 10 मिलियन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो करोड़ में कितना हुआ, 1 करोड़, बराबर की नहीं, 100 मिलियन लिखा हुआ है तो कितना करोड़ हुआ, 10 करोड़। सिंपल एकदम, अगर करोड़ में है 10 और मिलियन में डालना है तो 100 मिलियन यानी 10 करोड़, बराबर है। ओके, अब मेरे को आपके डेटा में बात करो बजाज फाइनेंस में, कि बजाज फाइनेंस का ये जो डेटा आपने जो अपडेट किया उसमें क्या चीज आपको जानकारी इम्पोर्टेंट लगी जिस पे गौर किया जाए। सर और एक क्यूरी थी कि जो अभी एनुअल रिपोर्ट में ईपीएस देखता हूँ ना, और तो अलग आता है मैं दिखता है, और बीएससी इंडिया पे दिखता हूँ ना तो अलग दिखता है, बहुत डिफरेंस दिखता है, एनुअल रिपोर्ट ही देखता हूँ तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने डेटा क्रॉप पे करा था ना वो, हाँ? तो उधर दिख रहा था ऐसा, किधर ऐसा है जो, नहीं नहीं अभी डेटा क्रॉप में अभी इधर भी होगा शायद, आया था मेरे को प्रॉब्लम, जो कंसोलिडेटेड डेटा है ना एनुअल रिपोर्ट और बीएससी इंडिया है उसमें अलग अलग था, डेटा क्रॉप पे जाए सर वो स्प्रेडशीट पे, डेल्टा कोर्ट में जाओ। ओके ओके ओके, हाँ डेल्टा कोर्ट, ओके बताइए। उधर ईपीएस है ना वो 6.85, हाँ वो ना अलग अलग आ रहा है वो, कौन सा वाला कह रहे हो ये? हाँ 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 जी, ओके 1920 का, पिछले ही साल का है ये तो, बराबर ना। ओके 6.85 बराबर है, और कहाँ पे अलग बता रहे हैं? नहीं नहीं अभी तो सही है, उधर भी सही होगा शायद, उधर भी है, अब सिर्फ एक बार चेक कीजिए एनुअल रिपोर्ट इन्वेस्टर रिलेशन, वही एनुअल रिपोर्ट में। ये रहा, हाँ कई तो था, मैं बाद में वो चैट में लिख दूंगा, कोई बात नहीं, नोट करा देना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, बराबर ना, या कमेंट में छोड़ देना तो चेक कर लेंगे वो तो, बराबर है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर फिर भी कभी कभी देखो कभी कभी डेटा में भी प्रॉब्लम होता है तो ये लोग करेक्ट करके भी देते हैं कि सॉरी इधर हमसे गलती हो गई थी, अब ये लेटेस्ट ये डेटा को कंसिडर करने का, हर एक में नहीं होता है, पर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है डेटा में प्रॉब्लम, बराबर ना, जैसे हमसे एक एरर होती है, वैसी एरर हुई, बराबर जी सर। ओके, तो कौन सी कंपनी पे बात करेंगे दीपक भाई? बजाज फाइनेंस, उसमें ना राइट इशू है ना और बोनस और स्प्लिट
ना राइट विश, तो वो क्या चीज होती है वो, क्या उसमें भी मैं पुराना डेटा देख रहा था तो उसमें वो मल्टीबाई टू ऐसा कुछ प्राइस कर रहे थे, वो समझ में आया। बराबर, ओके। यहाँ पे बोनस दिया हुआ है, बराबर ना, तो बोनस की वजह से ये 54 करोड़ का कितना दिया हुआ है, एक पे एक, मतलब ये 50 करोड़ का 109 करोड़ हो गया, मतलब ये बोनस है, इसको आपको इधर लिखना चाहिए, बराबर ना। 50 करोड़ का 100 करोड़ ये बोनस हो गया, राइट। तो बोनस में सिंपल है, आपका इक्विटी डबल हुआ, राइट, और उसकी भाव पे इफेक्ट आएगी। राइट इशू में आपका इक्विटी बढ़ता है, राइट इशू कब दिया जाता है, कंपनी को कभी ऐसा है कि एक्सपेंशन में और पैसे की जरूरत है तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल सकते है कि चलो हम आपको और एक दो एक एक शेयर देते हैं, आप इतने पे इन्वेस्ट करो। मान लो भाव चल रहा है दीपक भाई 100 रुपया, कंपनी कह सकती है कि हम आपको 80 रुपए में दे देंगे शेयर, पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम ये मौका देते हैं कि आपको निवेश करना हो तो करो, हमें रुपए की जरूरत है, हम नया फंडिंग लाना चाहते हैं, राइट। तो राइट इशू के केस में आपका इक्विटी थोड़ा बढ़ता है, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ईपीएस पे, क्योंकि ऑब्वियस है इक्विटी बढ़ा यानी शेयर होल्डर बढ़े, शेयर होल्डर बढ़े यानी आपका ईपीएस कम हो जाएगा, थोड़ा होगा ना इफेक्ट, आएगा कि नहीं आएगा सर। वो मल्टीप्लाई टू है ना, वो किया था पिछले स्टूडेंट्स ने, वो समझ में नहीं आया, वो इधर से मल्टीप्लाई टू वो नहीं होता है, ये तो नॉर्मल नॉर्मल होगा। राइट इशू में आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट इशू में आपको कोई एडजस्टमेंट करने का जरूर नहीं है, क्योंकि राइट इशू तो एक नॉर्मल राइट इशू है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रकम का काम हुआ है, बराबर ना। राइट इशू में कुछ भी मत करो छेड़छाड़, खाली बोनस और स्प्लिट में करने का, बराबर है। वो क्या हुआ था, मैं वो पिछले स्टूडेंट का मैं ना देख रहा था, तो उन्होंने उधर लिखा था, अभी वो मैंने ये नहीं किया, वो बोनस का और वो प्राइस है ना, मैंने नहीं किया, बाद में वो कर दूंगा मैं। अच्छा, वो बाकी है करने का, ओके, हाँ राइट, कोई बात नहीं। डेटा आपको परफेक्ट, आपने जो लिया हुआ है परफेक्ट है। धंधा कंपनी का कैसा बढ़ा है? वो बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, बराबर है। धंधा अच्छा बढ़ा, प्रॉफिट अच्छा बढ़ा, इसीलिए हमने भाव पे इफेक्ट देखा है, बराबर ना। देखो आपने रिजर्व के भी डेटा डाले, बहुत अच्छा किया, रिजर्व के डेटा डाले कितना क्लियर है कि 2004 में रिजर्व में 2500 करोड़ थे, आज 32,000 करोड़ तो रिजर्व में पड़े हुए, बराबर ना। तो पैसा तो बनना ही है और बना ही है, अब आने वाले समय का क्या लगता है, क्या धंधा नहीं बढ़ेगा, क्या लोन लेना लोग बंद कर देंगे, रिटेल लोन? नहीं नहीं, बढ़ेगा धंधा, बढ़ेगा, तो पैसा बनेगा अपना इधर भी, बराबर। कोई चिंता की बात नहीं है कि नहीं, पता नहीं अभी आगे वाले समय में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये कल की भी बड़ी कंपनी है रिटेल लोन की, आज की भी बड़ी कंपनी है, राइट। और भाव में तो अप डाउन आता रहता है, ये तो आपको इधर से दिख ही रहा है, बराबर ना। ओके सर, और एक मुझे नोट आई है अभी, हाँ? देखा 2015 में ना उसका लो प्राइस है ना 1672 था और हाई है ना 4480 था, तो ऐसा लगता है कि अभी जो ब्रेक डाउन नीचे आएगा ना शायद, तो 3939 पे आ जाएगा, सही रहेगा क्या? वो अभी बात नहीं करेंगे, अभी अभी अपने टॉपिक से बाहर की चीज है ये सब, ये बाद में बात करेंगे जब एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। हाँ हाँ, अभी तो अपन ने भाव तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे दीपक भाई, अभी भाव भूल जाओ ना, अभी बिहेवियर समझो खाली, कि धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, धंधा कितनी बार गिर रहा है, प्रॉफिट गिरता है कि नहीं गिरता है, उस पे क्या भाव पे इफेक्ट आती है, बराबर ना। अब भविष्य में गिरेगा तो इतना गिरेगा कि नहीं, वो बात अभी अपने काम की नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको और कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, वो नहीं सीखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, बराबर, तो जंप नहीं मारेंगे, बराबर ना। ओके ओके
ऐसा हुआ कभी भी कि बजाज फाइनेंस कभी भी गिरा नहीं है? गिरा है सर, वो 2003 को उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना 1.7 आया है उसके 2000। करेक्ट, सही बात है। पर 2003 में कितनी बार ऐसा हुआ है कि शेयर गिरा है, तो ये आने वाले समय में भी गिरेगा। जब भी गिरता है तीन ही साल में मौका मिलता है, तब तब ऐड कर लेने का, बराबर है। बाकी धंधा बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तब तक शेयर चलने ही वाला है। ओके, और जब तक लोग लोन लेंगे तब तक इनका धंधा बढ़ेगा, राइट दीपक भाई? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और सर जनरल इंश्योरेंस में वो डाटा मेरा सही है क्या गलत है? वो मैं, वो तो मेरे को भी नहीं पता चलेगा देख के, वो तो आपने डेटा डाला है आपको ही पता चलेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है डेटा पे जो डाला है उस पे? मेरे को देख के तो कैसे पता चलेगा यार। चलो देख लेता हूं मैं, एक मिनट, किधर गया जनरल इंश्योरेंस? ओके, कौन सा कंपनी है? ICICGI। ओके, बराबर है ना? कहां पे डाउट आया है ना? नहीं नहीं, वो क्या था, मैं पहले टोटल इनकम ले रहा था, तो बाद में नेट प्रीमियम लिया तो वो क्लियर किया, मगर उससे पहले मेरा डाउट था कि ये अलग अलग डेटा आ रहा था ना, इसलिए मैंने वो क्यूरी डाली थी, क्योंकि एक बार हो गई भी, क्यूरी भी हो गई है बॉक्स में। तो लेकिन ये बहुत बार प्रीमियम गिरा है, तो ये थोड़ा देख लेना आपकी क्या सही में धंधा गिरा ही है ना, कि कम प्रीमियम आया था, ये सही डेटा है कि नहीं, बराबर ना? इतना ज्यादा लाल लाल नहीं आना चाहिए। अगर इतना ज्यादा लाल आता है धंधे में तो फिर कंपनी नहीं लेनी चाहिए फिर, समझे ना दीपक भाई, कि इतनी सारी बार धंधा गिरता है इनका, तो आने वाले समय में भी हैरान करेंगे, बराबर। अब पता नहीं चल रहा कि वो मिडा ये सही ले रहा है कि नहीं, ऐसे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं तो सही कर रहा हूँ, मगर इतना बार गिरा है तो शायद कॉन्फिडेंस डील हो रहा है। पर आपने क्या यहाँ पे नेट प्रीमियम इनकम ही लिया है ना? हाँ सर, अभी तो नेट प्रीमियम इनकम ही लिया है, पहले तो टोटल बराबर होना चाहिए, फिर भी इसको रिचेक करना पड़ेगा किसी और के डेटा के साथ, बराबर ना? क्योंकि इतनी ज्यादा बार अगर धंधा गिरता है, देखो मेरे ख्याल से आप अगर ICICGI का एनुअल रिपोर्ट देते हो तो उसमें वो 10 साल का भी डेटा दे रहे, 10 ईयर्स का डेटा वो लोग दे रहे, तो एक ही पेज में से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने ये डेटा सही लिया है कि गलत लिया है, बराबर ना? तो एक बार चेक रिचेक कर लेना, क्योंकि ज्यादा बार लाल है, राइट? बाकी आप भी वही करोगे जो मैं करूंगा, मैं भी वही रिचेक करूंगा, बराबर ना? एक बार देख लो दीपक भाई आप कॉन्फिडेंस से कि आपने नेट प्रीमियम इनकम क्या सही में प्रॉपरली लिया है। अगर सही में लिया है और फिर भी इतनी सारी बार धंधा गिरा है, तो अपने डेटा पे कॉन्फिडेंस रखो, फिर नहीं लेने की है कंपनी जिनके धंधे बार बार गिरते हैं, बराबर? पर इसको रिचेक कर लेना आप, राइट? जी सर। क्या लेने का? नेट प्रीमियम इनकम, बराबर ना? आप चाहो तो टोटल इनकम की कॉलम बना सकते हो बाजू में, प्रीमियम इनकम के बाजू में कौन सी कॉलम बना सकते हो? टोटल इनकम की, चाहो तो, ताकि ये भी पता चले कि टोटल इनकम भी कितनी आ रही है, वो भी तो उनको ब्याज में से इनकम तो मिलती है ना, जस्ट फॉर योर लर्निंग। पर अभी मत करो, क्योंकि अभी आपको ये सेल्स के डेटा पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले सेल्स का डेटा प्रॉपर कर लो, बराबर? मेरे को बता ना फिर ये सेल्स का डेटा आपका सही है कि कुछ प्रॉब्लम निकला इसमें से, राइट? ओके ओके, लाइफ इंश्योरेंस में वो इन्वेस्टमेंट का, हेलो, हाँ हेलो सर, हाँ हाँ बोलो बोलो। लाइफ इंश्योरेंस में वो इन्वेस्टमेंट का जो रोल होता है, वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, वो नेट प्रीमियम इनकम और इन्वेस्टमेंट का वो अलग अलग होता होगा ना? हाँ, उसमें भी नेट प्रीमियम इनकम ही लेने का है, लाइफ इंश्योरेंस में भी, लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, आपको सेल्स में नेट प्रीमियम इनकम लेने का। नहीं सर, वो ना
जो वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं ना दूसरे और कंपनी में भी, तो वो नेट प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट वो अलग अलग होता है ना वो शायद, तो उनका कुछ कनेक्ट होता है ना वो एक दूसरे से कुछ या? नहीं 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 नहीं, देखो जनरल हो या लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले ये लोग लाएंगे क्या प्रीमियम, बराबर। अब प्रीमियम लाएंगे, वो प्रीमियम उनका धंधा है, उसको वो लोग इंश्योर करते हैं अलग अलग लोगों को, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ हो, पर वो कुछ ना कुछ चीज को सिक्योर करते हैं, राइट। अब कुछ क्लेम आएंगे तो क्लेम को उनको पे करना है, बराबर की नहीं। तो ज्यादातर टाइम पे पॉसिबिलिटी होगी कि मानो 100 रुपया प्रीमियम का आया, उसमें से क्लेम देने का खाली 10 रुपए का आया, बराबर है, तो बाकी 90 रुपए का ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट खर्चा निकाल के इन्वेस्ट करेंगे, बराबर है। इनको इन्वेस्टमेंट पे भी अच्छा पैसा मिलता है, जैसे LIC को इस साल 30,000 करोड़ 33,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ है। वो इधर किधर कैलकुलेट करने का, वो आपको नहीं करने का, इनको करना है। आप खाली टोटल प्रीमियम इनकम ही लो, प्रॉफिट में वो सब ऑटोमेटिक गिन के आ जाता है। फिर आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे चीज को, आपको सही समझ में आएगा बाद में, एकदम सिंपल रखो, वो सब गिन के प्रॉफिट में आ ही गया है। पहले सिंपल डेटा बना दो एक बार प्रीमियम का और प्रॉफिट का, बराबर ना, एक बार ये परफेक्ट कर लो, फिर वो भी आप करोगे, पर पहले इसको परफेक्ट कर लो। जी जी, बराबर ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इन्वेस्ट कैसे कर रहे, कहाँ कर रहे, कितना मिल रहा है। प्रॉफिट में तो आता होगा कि नहीं ये सब चीज, नेट प्रॉफिट में। जी जी, बराबर ना, तो अभी खाली सिंपल चीज करो, अभी कॉम्प्लिकेशंस कुछ मत करना, खाली टेबल प्रीमियम इनकम और प्रॉफिट को लेके एक बार बिहेवियर देखो, क्या धंधा बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है, बराबर ना। फिर धीमे धीमे जैसे ये परफेक्ट होता जाए, गहराई पे जाने का, बराबर है। जी जी, ओके, राइट, ओके। चलिए, तो दीपक भाई से बात हो गया, लेट अस मूव टूवर्ड्स इंद्रजीत, इंद्रजीत पड़ियार। यस इंद्रजीत भाई। यस सर, कैसे हो? बस फाइन एकदम, कैसे हो? बस ओके, तैयारी चल रहा है उत्तरायण का, बराबर का? नहीं 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 सर, अभी तो ओके। कौन सा कंपनी देखेंगे इंद्रजीत भाई? L&T। हाँ, L&T L&T, ये रहा, प्राइस डाल दिया इंद्रजीत भाई, चलो मस्त काम किया एकदम इस बार, बढ़िया। क्या समझ में आया बोलो इंद्रजीत भाई, L&T में? सर सेल्स रेगुलर बढ़ रहा है उसका, ओके, और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट दो तीन, हाँ लेकिन लास्ट दो तीन साल से देखे तो प्राइस वही का वही है, बराबर है, राइट। देखो पिछले 2 साल से प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है, राइट, नहीं है, ओके। तो 2 साल तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो गई, बराबर ना। हमने तभी अच्छी अच्छी कंपनियां देखी जो 4-4 साल से नहीं चली थी। देखिए सर 2016 से भी देखे ना तो सर ऐसा ही है, 2015-16 बराबर है, सही बात, वही रेंज है। इनफैक्ट 2014 में एक इनका हाई था 1892, ये तो यहाँ पे बोनस दिया हुआ है इन्होंने। हाँ हाँ सर सर, बराबर है, बराबर है। इनका सेल्स जो है वो कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? 16% से, 16% से 18 साल में। हाँ। शॉर्ट टर्म में चेक किया आपने? नहीं सर, वो नहीं किया, वो कर लूंगा मैं। वो नहीं करोगे
तब तक आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता नहीं चलेगा। ओके, क्या ट्रेंड है अभी शॉर्ट टर्म? 12% 13% 13% और प्रॉफिट 7-8% जैसे 8%। अगर प्रॉफिट 8% से बढ़ रहा होगा तो आपको रिटर्न कितने परसेंटेज से मिले होंगे एलएनटी में पिछले दशक में? 8-8% यही होंगे, सीधी बात है। जितने परसेंटेज से प्रॉफिट बढ़ेंगे उतने परसेंटेज से रिटर्न मिलेंगे। प्रॉफिट 8% से मतलब उम्मीद मत रखो कि एलएनटी में पिछले 10 साल में बहुत अच्छा पैसा मिला है, लेकिन अगर मेरे को इंफ्रा में पैसा डालना है तो एलएनटी जैसा कंपनी भी कौन सा है दूसरा? कोई नहीं, बराबर की नहीं। अगर राजा कंपनी ने कमा के नहीं दिया तो बाकी कंपनी में तो नुकसान ही हुआ होगा, बराबर ना? सही है। सो नो डाउट पिछले 10 साल इतने अच्छे नहीं गए, बराबर है। प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं रही यहाँ पे, अपन अगर 5 साल का डालते हैं ओके। बोलो 5 साल में क्या रिटर्न है? कुछ नहीं सर, 4-3.5% तो आपको पैसा भी नहीं बना होगा आपका, है कि नहीं सर? सो इट्स ऑल राइट। पर एलएनटी में फिर आप बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं रखोगे। आज हम लोग कहते हैं कि टीसीएस में 5% डाल देना चाहिए, बराबर ना? रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहिए, अल्ट्राटेक में आप होल्डिंग रख सकते हो बड़ी, एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक में 5-7% डाल सकते हैं। पर एलएनटी ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, पर आप 5-7% नहीं डाल सकते हो, 3% बराबर है क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रहा है, बराबर की नहीं? जब तक ग्रोथ आएगा नहीं तब तक तगड़ा पैसा नहीं बनेगा, है ना? तो मैं नहीं कहता कि पूरी कंपनी है का नहीं डालना, नहीं इन्वेस्ट करना ही चाहिए क्योंकि इंफ्रा अच्छा चलना चाहिए। पर इंफ्रा में अगर आपको ग्रोथ दिखता नहीं है तो पैसा भी नहीं बनेगा, फिर तो कम वेटेज रखो। ग्रोथ दिखता है फिर धीमे धीमे वेटेज बढ़ाओ, राइट? कंपनी ने पिछले 5 साल से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, धंधा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट इनका लॉस कितनी बार किया इन्होंने? लॉस तो नहीं किया सर, अब भी नहीं किया है। सोचो ये बहुत डेंजर सेक्टर है, इनके सेक्टर की आधी कंपनियां अभी जो हम देखते हैं ना, बहुत कंपनियां डेप्ट नहीं दे पा रही है और कुछ कंपनियां उठ गई जिससे बैंक को प्रॉब्लम आया, इनके सेक्टर से तो थी कंपनियां, राइट? तो इतना बुरा समय था बट स्टिल दे मैनेज टू मेक प्रॉफिट। तो ऐसी कंपनियां बुरी नहीं होती है, बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ नहीं है जिससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पर फिर भी पिछले 10 साल 5 साल ऐसा एक साल नहीं होगा जब आपको डिविडेंड नहीं मिला होगा, ऐसा एक साल भी होगा? सही। नहीं, बुरा वक्त भी आता है, अगर आपके पास अच्छी कंपनी होगी तो आपकी कंपनी आपकी कमाई कंसिस्टेंट रहेगी, राइट सर? बराबर, क्लियर इतनी चीज? हाँ यस, कहिए और क्या? तो सर उसमें सर तो अभी क्या कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं क्या? एसआईपी, लेकिन एसआईपी की अमाउंट इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप 5% पैसा डाल दे पोर्टफोलियो का। अगर ये कंपनी ग्रोथ भी होती है तो यहाँ पे मैं 5-7% पैसा डालता क्योंकि ये हाई क्वालिटी कंपनी, राइट? सेक्टर की लीडर कंपनी, मतलब सब गुण है इसके अंदर, एक ही गुण नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। जबकि पीडी लाइट एशियन पेंट जैसी कंपनियों में सब गुण है, वहां पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो आप वहां पे होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बड़ा होल्डिंग नहीं रखना चाहिए जब तक कि आपको ग्रोथ ना दिखे। अब ये ग्रोथ कब दिखेगा बढ़िया? जब ऑर्डर मिलने लगे, ऑर्डर बुक बड़े कंपनी की, बराबर ना? तो इंफ्रा की कंपनियों में ऑर्डर बुक पे ध्यान रखने का, राइट? कंपनियां अनाउंस करती है, जैसे बजट में एलोकेट होता है कि भी इस बार इंफ्रा पे इतना काम होगा उतना काम होगा, अंदाज आ जाना चाहिए कि भी मैक्सिमम धंधा इन्हीं को मिलता है, एलएनटी के पास ही कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर जाते हैं, तो अगर ज्यादा काम बाहर आएंगे तो ज्यादा धंधा मिलेगा एलएनटी को, राइट इंद्रजीत भाई? ओके, सो वंडरफुल।
और कोई क्वेरी इसके अंदर एलएनटी में? सर ये मैंने ऊपर प्राइस लिखा है, वो सेल्स का डेटा है ना, वो डिफरेंस आ रहा था और उसकी बीएसई की साइट पे और इस रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में देखो मैंने ये वाइज दी। इन्होंने कितना लिया है? 141,000। और आपने कितना लिखा है उसमें? ये हाँ ये इतना है उसके एनुअल रिपोर्ट में, बराबर 1,45,000। 2016 में भी ऐसा ही है। ओके नो प्रॉब्लम। आप क्या करो, एनुअल रिपोर्ट में जो दिया हो वो डेटा को कंसीडर कर सकते हो। हाँ बस वही मैंने लिखा। एनुअल रिपोर्ट बाद में बनता है, रिजल्ट के भी आने के बाद लेटेस्ट, तो ये डेटा एकदम परफेक्ट होंगे यहाँ पे, बराबर ना? देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस है वो एडजस्ट कर लेने, बराबर है? बराबर बराबर। सर दूसरा एक क्वेरी था मेरा। हाँ जी बोलो बोलो। ये आप बोल रहे कि अभी टाटा इलेक्सी का बोल रहे कि अभी 2000 चल रहा है, 3000-4000 भाव जा सकता है, तो हाँ। जिस लोगों ने एसआईपी की है बराबर है वो लोग बस सही है, लेकिन जिसने नहीं लिया है तो वो अभी हाँ। नहीं ले सकते, ऐसा क्यों कि उसका अभी नहीं ले सकते? अभी आपका टाइम चला गया। हाँ तो ऐसा सेम अभी... आपने डीएलएफ डीमार्ट में बोला है, टीसीएस में बोला है, नहीं ले सकते अभी, क्योंकि अभी बहुत महंगे चल गए, अभी वो चल चुके हैं, वो तीन तीन साल से नहीं चल रहे थे तब लेने का था उनको, तो अभी भी बहुत से सेक्टर होंगे, बहुत सी कंपनियां होगी जो अच्छी है, राइट, वो भी चलने वाली है, तो अभी वहां पे ध्यान दो। कल टीसीएस में भी करेक्शन आएगा तब टीसीएस वापस ले लेना, अभी चलते घोड़े के पीछे दौड़ेंगे तो हाथ पांव छिल जाते हैं, बराबर। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट अभी जो पैसा है उसको लिक्विड में हम कहाँ कर सकते हैं, और मौका जैसे जैसे मिलते जाए पैसा डालते जाओ। लेकिन एफडी करना है कि लिक्विड में डालना है, वो क्या कौन सा सिक्योरिटी वाला अच्छा रहेगा? तो पर देखो मैं सीधा लिक्विड में डालता हूँ, मैं लिक्विड में रखता ही हूँ पैसा, ताकि जब भी पैसा करना हो लिक्विड बेचो, सीधे सीधा यहाँ से शेयर ले लो। अब एफडी को कहाँ अपन वो मैच्योर करने जाएंगे बैंक में, बराबर ना? बराबर। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि लिक्विड फंड तो सीधे सीधा डीमैट में हो जाता है। ओके बराबर ना? आज ही जैसे इनफैक्ट हमने लिक्विड फंड लिए, क्यों लिए? बराबर। मौका मिलेगा तो माल लेंगे, सही बराबर ना? ऐसा ओके? तीन साल से इंद्रजीत भाई मौका मिला हुआ था, शेयर बाजार ही नहीं चलता था, तो वैसा मौका जल्दी नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा सवाल ही नहीं ना। हमें भी तभी एक्टिव रहना चाहिए ना ज्यादा, जब बाजार नहीं चल रहा होता है। अब तेजी में तो सब लोग आए तो मौका थोड़ी मिलेगा ऐसा, बराबर है? हमको तो करेक्शन में लेना है, ऐसा है ना? अब नहीं लिया तो अभी उसका तो क्या करेंगे, लेना था ठीक है, सवाल ही नहीं ना, राइट? अगर महंगा लेंगे तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन उतना कम रहेगा, महंगा लेंगे तो ज्यादा टूट सकता है। जिन्होंने नीचे लिया हुआ उनको सेफ्टी ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा होता है, उनके भाव नहीं आते, पर ऊपर लेंगे तो डाउन भी आ जाएगा, राइट? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, अगर भूल ही जाना है तो नहीं ले सकते कोई कि, पर फिर तीन साल नहीं चल रहा था तब क्यों नहीं लिए? ये भी तो है, कड़वी सच्चाई लेनी पड़ेगी। जब बाजार नहीं चल रहा होता है तभी माल लेने का होता है, अब बाजार चलने के बाद जो भी आएगा उनको यही कहना पड़ेगा कि आपने क्यों माल नहीं लिया, जब तीन साल से लोग शेयर बाजार को गाली दे रहे थे, नहीं कमा के दे रहे, तब लेने का ही था, राइट? अब जब सब लोग आएंगे बाजार में बाजार चलने के बाद, तब थोड़ी ना मिलेगा अच्छा भाव, तब फिर आपको ये परेशानी होगी, बराबर ना? कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं रहेगी जो लोग रैली में लेंगे उनके लिए, एक कड़वी सच्चाई है, क्या करें? बराबर इंद्रजीत भाई, ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, पर वैसी अपॉर्चुनिटीज इतनी जल्दी भी नहीं आएगी जितनी जल्दी लोग आशा रखते हैं, क्योंकि बेचारे बहुत से लोग तीन तीन साल से माल लेके बैठ गए जिनका पैसा नहीं बढ़ता था, बराबर ना? बराबर। ओके चलिए, इस चीज पे भी हम बाद में आएंगे, लेकिन इंद्रजीत भाई डिटेल में, ओके यस। दीपक पटेल, दीपक पटेल जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर,
यस, कैसे हो दीपक भाई? फाइन एकदम, मजे में। ओके, कई कंपनियों में आपने भी काम किया है, कहिए क्या किया जाए? सर वो लिंक में जो आपको अच्छा लगे हो सकता है वो कंपनी। ओके, ऊपर बाजू सर, स्टार्टिंग। अच्छा इधर? हाँ सर। ओके, ये कौन सी लिंक खुली? अच्छा ये आपकी लिंक है? हाँ सर, मेरी लिंक है सर, उसमें मैंने ये नहीं किया सर, इसी में कर दिया था काम सर। बराबर, नो प्रॉब्लम। चलो, रिलायंस इंडस्ट्री ओपन कर लिया, क्या कहते हो रिलायंस के बारे में? सर इनका तो मैंने अपना बीएससी में तो 2010 तक की डेटा था। बराबर है। और बाद बाकी का तो एनुअल रिपोर्ट से निकालने में उनका मेरे को 1972 तक का डेटा मिला है सर। वंडरफुल, बहुत अच्छे। और सर ये कंपनी 1972 से 25% से ग्रोथ कर रही है सेल्स में सर, और 26.2% से प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है सर। बराबर है, राइट। और सर इनका एक्चुअल ईपीएस बनता है सर 2510। 2510 रुपए का ईपीएस इनका? हाँ सर, इन द रियल टर्म पर शेयर, रियल टर्म सर। करेक्ट करेक्ट। हाँ सर। Okay. और सर इनका रियल प्राइस भी 13,000 तक का आ रहा है सर। बराबर है, बिल्कुल सही रियल प्राइस है। ओके, गुड। हाँ लेकिन सर इसमें मुझे एक डाउट था, जैसे ही आपने अभी जस्ट कहा कि जैसे सेल्स और प्रॉफिट 21% से अगर बढ़ रहा है तो उनका प्राइस भी उतने परसेंट से बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे कैलकुलेशन जब किया तो 13% से उनका ग्रोथ हुआ है सर, 15 से 13। ओके, इनका धंधा अगर 25% से बढ़ा है, प्रॉफिट 26% से बढ़ा है, तो फिर इनका भाव भी बढ़ा हुआ ही होना चाहिए। मतलब कोई जगह पे कुछ एरर है दीपक भाई, वो ढूंढना पड़ेगा अभी। ओके सर, क्योंकि अगर 13,000 रुपया प्राइस है, जैसे आज के भाव के हिसाब से आप गिनते हो 1600 और 16,000, करीबन 10 गुना का फर्क है यहाँ, ऐसा हुआ ना सर? एक मिनट, आपने प्राइस कैसे ढूंढा है? 13% ओके, ये कैसे लिखा आपने? अच्छा इधर किया हुआ है, J11। बराबर है सर, वो ईपीएस वगैरह का डेटा 1992 तक का करेक्ट है, इसके लिए मैंने उधर से ही कैलकुलेशन लिया है सर। बराबर, नीचे के डेटा में ईपीएस का उतना डेटा बराबर नहीं है। ओके ओके, राइट। दूसरा यहाँ पे एक ये भी होगा, ये जो मर्ज हुआ वो भी डेटा आपने ले लिया, आरपीएल और ये सब भी? सर एक्चुअली इनका एनुअल रिपोर्ट में जो कंसोलिडेटेड है वही डेटा लिया हुआ है। बराबर, अगर उसमें रहेगा तो इसमें आ गया है सर। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। क्या है इनका इंट्रिंसिक पी? सर इनका इंट्रिंसिक पी बनता है सर, ओके, 18 और 9 का बीच में घूम रहे हैं सर। राइट, गुड, बढ़िया, आपने सारा बहुत परफेक्ट किया है, खाली इस चीज पे काम करना पड़ेगा, और एक रिजर्व का डेटा होता है अच्छा रहता ओके है ना? हमें पता चले, क्योंकि रिजर्व डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है भाव का, सही में तो रिजर्व रिफ्लेक्शन होना चाहिए भाव का, बराबर ना, प्रॉफिट से ज्यादा। क्योंकि देखो प्रॉफिट कंपनी के 26% से बढ़े, लेकिन अगर कोई कंपनी ने 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो भाव पे कितना इफेक्ट आएगा? हाँ सर, कुछ भी नहीं, नहीं सर। तो प्रॉफिट से ज्यादा जो भाव है वो किसका रिफ्लेक्शन है? रिजर्व का सर, रिजर्व का, बराबर की नहीं? अगर मिलता है देन इट इज गुड, आपने जबकि इतना सब डेटा इकट्ठा किया है तो वो हो तो अच्छा है, मिल जाएगा सर, हो जाएगा सर। ओके ओके, तो कई चीजें इसमें से सीखने को मिलेगी, बराबर ना? गुड, राइट सर। अब रिलायंस का धंधा आपने जब 72 से लिया तब भी इनका धंधा खाली कितनी बार गिरा है? 1, 2 और 3 बार ही गिरा है सर। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है 50 साल में? हाईली एग्रेसिव कंपनी। हाँ सर, और कभी लॉस ही नहीं किया है सर।
कभी नहीं, मतलब यही तो खूबी होती है अच्छी कंपनियों की। अभी जैसे मैं इंद्रजीत भाई से एलएनटी की बात कर रहा था, तो बुरी कंपनी नहीं है, भले कुछ साल कमा के नहीं दिया, चलता है बराबर ना, पर कंपनी ने प्रॉफिट तो किया कंसिस्टेंट, दैट्स गुड थिंग। ये भी तो खूबी होती है राइट। तो यही चीज आपके रिलायंस की है, और आपका रिलायंस भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि नहीं चला है, पर फिर भी आज बाजार का राजा कौन बना है? रिलायंस सर। रिलायंस 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप, बराबर ना। जैसे हम लोग 5 साल पहले भी ये कहते थे ना कि इंडिया में भी कंपनियां होगी जो 20-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखेगी, तब लोगों को विश्वास नहीं होता था, अरे क्या यार 20 लाख करोड़ इंडिया में। आज देखो कंपनियां पहुंचने लगी, रिलायंस 15 आ गई, टीसीएस 12 आ गई, तो आप 20-25 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनियां एक नहीं देखोगे, 10 कंपनी देखने वाले हो राइट। उसके लिए हमें एक्यूमुलेट करना पड़ेगा जब जब मौके मिलते हैं तब, बराबर है। और शेयर गिरेंगे चलेंगे, यही बिहेवियर से हमें सीखने को मिलेगा। कि इंद्रजीत भाई से जो मैं कह रहा था कि जल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि 3 साल से बाजार नहीं चला था, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि कभी करेक्शन नहीं आए। हर 3 साल में मस्त मौके मिलेंगे, कैश करो उसे। डन? ओके सर। ओके चलिए, वेरी गुड, बढ़िया। और आप सब लोगों ने इतनी सारी कंपनियों पे काम किया है, तो अब अपना काम और आसान हो जाएगा। अब जब हम और आगे डीप डाइव करें, और एक डाउट था सर। हाँ बोलो दीपक भाई। सर मैंने आईजीएल में काम किया है सर, वो थोड़ा लिस्ट। ओके यही पे है क्या आईजीएल? हाँ सर वो लिस्ट में ही है सर। राइट, बहुत अच्छा काम किया है आपने दीपक भाई, गुड सर। और एकदम नीट एंड क्लीन, क्लियर है। हाँ कही है यहाँ। थैंक यू सर। सर यहाँ पे जैसे 2015 और 16 में जो डेटा है, यानी कि 15 में जो प्रॉफिट है 434 करोड़, और 16 में जो 410 करोड़ है, वो एक्चुअली इनका ईपीएस में देखिए सर, वो 32 है और 33 है सर। अपना ईपीएस में कम होना चाहिए लेकिन वो ज्यादा है। लेकिन जैसे मैंने क्रॉस चेक किया और एक बार, तो वहां पे सर उन्होंने जैसा हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर करते हैं सर इधर, लेकिन वो उन्होंने उधर ईपीएस जो कैलकुलेट हो रहा है वो सर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएशन भी ऐड होके कर रहे हैं। तो सर हमें कौन सा डेटा लेना चाहिए? नेट प्रॉफिट ही लेना चाहिए, नेट प्रॉफिट ही लेने का। ओके बराबर ना, क्योंकि ये जो इतनी जो चेंजेस आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा बार नहीं आएगी, ये कभी कभी आएगी। ओके सर बराबर ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पैट ही लेने का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके सर, और एक सर, जैसे वोल्टास में सर, उनका भी सीट है सर नीचे बाजू। ओके सर, वोल्टास ने 1998 में और 1997 में लॉस किया हुआ है सर बराबर दो बार, तो सर इनका लॉस कंसीडर करना है हमें ग्रोथ में और मार्जिन कैलकुलेशन में सर? नहीं, क्या करो आप जब ये ग्रोथ गिन रहे हो ना, तब अगर लॉस डालोगे तो ग्रोथ निकलेगा नहीं। हाँ सर बराबर, आप 2000 से डेटा ले लो, 2000 से 2020 यानी 20 ईयर, ऐसा करके यहाँ से डेटा कंसीडर करो, बराबर है? ओके सर, ओके सर। ऊपर बाजू किया हुआ है, वैसा ही किया है सर, लेकिन मैं वो लॉस लेना है नहीं लेना वो कंफर्म करना था सर। राइट, देखो लॉस लोगे तो माइनस डेटा आएगा, बराबर? हाँ सर, लेस हो जाएगा सर, एवरेज में नहीं निकलेगा। दूसरी एक चीज, आपको एक चीज पता तो है कि चलो लॉस कर रही है, अब ये इनकी प्रोडक्ट है एसी, 2000 का समय यानी 60% कौन सी, कितनी इनकम थी अपनी, बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया। ओके सर बराबर की नहीं, 50% से ज्यादा, तो कौन खरीदेगा एसी? हाँ सर, वोल्टास तो ठीक है, बाकी सब कंपनियां तो लॉस ही करती थी, पर ऐसी चीजों में हमें यह देखना है कि सबसे पहले प्रॉफिट में कौन आया। सब लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां लॉस करती थी दीपक भाई, सबसे पहले प्रॉफिट में कौन सी लाइफ इंश्योरेंस आई? एचडीएफसी आई। ओके सर, वो सब बढ़िया,
सब इंटरनेट की कंपनी अभी लॉस कर रही है. अभी कौन प्रॉफिट कर रहा है? नौकरी.com कर रहा है, राइट? वैसे ही ये वोल्टास वो कंपनी है जिसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, नहीं तो आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी ये सेक्टर में, राइट सर? सर और एक सर, जैसे आपने ये तो अभी आपने क्वालिटी कंपनी का रेडीमेड आपने शीट दिया था उसके हिसाब से हमने कर लिया है, लेकिन अगर अगर हम कोई सेक्टर लेते हैं तो हमें सभी कंपनी का सर ऐसा ही देखना चाहिए जैसा पुराना डेटा वगैरह सब देख के ही करना है सर? सभी मतलब कौन सी कह रहे हो आप, क्वालिटी में? यानी क्वालिटी में ही सर, यानी कि दो तीन चॉइस में जो दो तीन कंपनी का हमें प्रॉब्लम आता है कौन सा लेना है कौन सा नहीं, हाँ, तो उनका हमें ऐसे ही पूरा डेटा लेके हमें चेक करना चाहिए सर? हाँ, करना चाहिए आपको ऐसे. देखो सब में नहीं आएगा प्रॉब्लम, आपको 50% सेक्टर ऐसे मिलेंगे ना जहाँ पे आपको पता चल जाएगा यही बढ़िया है, तो फिर उसमें बहुत मेहनत मत करो, वो तो सब बढ़िया ही है. पर कुछ कम सेक्टर है जहाँ पे दो दो कंपनियां अच्छी रहती है, तो आप कंपेयर करो. जैसे आप वोल्टास और वर्लपूल को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा वर्लपूल ने कई बार लॉसेस किए हैं, जबकि वोल्टास ने तो 20 साल में कभी भी लॉस नहीं किया है. बाटा रिलैक्सो को कंपेयर करोगे पता चलता है बाटा ने भी कुछ लॉस किया है, रिलैक्सो ने कभी नहीं किया है. राइट, दोनों अच्छी कंपनी, इसका मतलब ये नहीं बाटा बुरी है वर्लपूल बुरी है, वो भी अच्छी ही है, पर अब हाई कंसिस्टेंस में क्यों ना जाओ. राइट, तो जो कंपनियों को आपको देखना है जिस पे आपको बाज नजर रखनी है उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट इस प्रकार से बना देने की, बराबर ना, ताकि आपको पता चले. बिकॉज़ दीपक भाई 80% कंपनीज आर नॉन प्रेडिक्टेबल कंपनीज. कितनी कंपनी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे? 80% क्योंकि वो अपना धंधा प्रॉपर नहीं कर पा रही है, वो अपना प्रॉफिट प्रॉपर नहीं कर पा रही है. वो नहीं कर पा रही है तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? Right? There are few people in this world, and there are few companies in this world who are predictable. वही few companies हमें ढूंढनी है, बराबर ना, जो predictable है, right sir? Okay, yeah, okay. So thank you very much. और इस बार ये week जो हम लोग काम करने वाले हैं, ये अब हम अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि वोल्टास ये ग्रोथ से बढ़ रहा है, चलो आने वाले समय में कितना ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें. तो अब हम आएंगे एक्सपेक्टेशन में, इसलिए मैंने कहा हर एक कंपनी पे अनुमान मत करो, सब आपके अनुमान पे खरी नहीं उतर पाएगी. दैट इज द रीजन वी नीड टू चेक फ्यू कंपनी. सिर्फ कुछ ही कंपनियां आपके अनुमान पे खरी उतरने वाली है, वही फ्यू कंपनी ढूंढने के लिए आपने ये सब काम किया है. राइट, चलिए नेक्स्ट वीक हम उन चीजों पे काम करेंगे और आगे डीप डाइव करेंगे स्टेप टू स्टेप. राइट, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. थैंक यू सर. या यस प्लीज पूछिए. आई हैव वन क्वेरी. या श्योर. वी शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बाय डूइंग सिप और इट्स बेटर वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी बाय डूइंग सिप? Which is a better option? अभी सवाल ऐसा है जिसका आसान जवाब ये होता है, हम लोग गांव में जाते हैं ना मैडम, गांव में when we visit village, वहां पे एक बड़ा कुआ होता है. Yes, sir. जो कुआ दूसरे छोटे छोटे कुओं को पानी देता है, बराबर. अभी हमें गांव वालों को पता है कि यही कुओं में से बाकी कुओं में पानी को आना है. अगर मेन कुएं में से ही पानी नहीं आएगा तो बाकी कुओं में पानी आने वाला है छोटे छोटे कुओं में? नहीं आएगा. तो मेन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बुरी नहीं है, इट इज वेरी गुड इंडस्ट्री. जो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. राइट, एफडी इतना कमा के नहीं देगी, सो लेट अस गो टू म्यूचुअल फंड. राइट, तो ऑप्शन नहीं है, उनको म्यूचुअल फंड का हेल्प लेना चाहिए. पर अगर आप सीखते हो, आप डायरेक्ट करते हो काम, तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगी, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो छोटे छोटे कुएं हैं उसमें पानी किधर से आता है? करेक्ट सर. इक्विटी नाम के एक बड़े कुएं में से आता है, बराबर है? True.
इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, अगर मैं डायरेक्ट कंपनियों में निवेश करता हूं तो अब आज मुझे शांति है कि चलो मैं 10 साल वैकेशन पे चला गया, पर फिर भी जितनी कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मुझे कमाने के लिए, मैडम क्या वो मेरे म्यूचुअल फंड को बेचने की जरूरत पड़ेगी, शेयर को बेचने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, कंसिस्टेंटली दे आर गोइंग टू गिव मी मनी इन माई बैंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे कमाने के लिए पेड़ को काटना पड़े, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट बेचूं तो ही मुझे पैसा मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं है, राइट? स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम एक बीज लगाएं, वो बड़ा पेड़ हो और जिंदगी भर फल देते जाए। ये मत सोचो कि मेरा टारगेट क्या है ये पेड़ का, कि मैं इसको काटूंगा तो ही पैसे मिलेगा। नो, जिंदगी भर पैसे मिलने वाले हैं इस पेड़ से, और वो पेड़ का नाम है इक्विटी, डायरेक्ट, राइट? यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर। इसको थैंक यू। हेलो सर, या कहिए दीपक भाई। हेलो, यस यस सर, एक रिक्वेस्ट था। या सर, जैसे जैसे आपने अभी लिक्विड फंड में आपने जो आप कहते हैं कि अभी मार्केट तो चल रहा है, अभी इन्वेस्ट करने का नहीं है, लिक्विड फंड में आप रख देते हैं, जैसा एफडी से लिक्विड फंड में आप निकालने में भी इजी होता है, तो सर मेरा रिक्वेस्ट था कि ऐसा कोई एक वीडियो अगर लिक्विड फंड के बारे में, कौन सा फंड हमें लेना है या कैसे कैसे हमें उनको, थोड़ा आपके गाइडेंस अगर मिल जाए वीडियो के, या आप कोई एक सेशन में आप बता दे तो हमें बहुत काम आएगा सर। बराबर है। देखो दीपक भाई, क्या है, पहली प्रायोरिटी एफडी की रखो, पहली प्रायोरिटी। मैं डिफरेंस समझा देता हूं आपको। एफडी आपको 6.25% देता है, लिक्विड फंड थोड़ा ज्यादा देता है, बराबर। पर प्रायोरिटी एफडी की इसलिए रखे क्योंकि जितना ज्यादा रिटर्न मिलता जाता है उतना रिस्क भी होता है, वहां पे कुछ और जगह पे भी निवेश तो होता है जो रिस्क होता है कभी कभी, बराबर, जैसा हमने रिस्क अभी भी देखा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लिक्विड फंड में ही निवेश करना चाहिए, एफडी इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए ही नहीं वहां पे, मुझे क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, पैसा पड़ा रहे ना, नहीं बढ़ेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बढ़ने के लिए अपने पास क्या तरीका है दीपक भाई, इक्विटी है सर, वो तो इक्विटी में तो दौड़ने वाला है ना पैसा, तो मेरे को बढ़ने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए भले मेरे को 1-2% कम मिले मेरे को पोसाएगा एफडी, राइट? अब बात आती है लिक्विड फंड, मैंने अभी क्यों बोला, राइट? वो इजी इसलिए रहता है क्योंकि अभी जब मेरे पास पैसा आया, इमीजिएट में कहां दिमाग लगाने जाऊंगा कौन सा शेयर लूं, इससे तो मैं हर बार क्या कर देता हूं, इमीजिएटली जैसे मेरे बैंक में पैसे आते हैं मैं लिक्विड फंड ले लेता हूं, राइट? फिर जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है 4-5 दिन में मैं फ्री होता हूं, मैं देख लेता हूं चलो कौन से शेयर लेने के थे, लाइन लगा दो शेयर की, इस महीने की ऐसे भी कर लो, बराबर। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है वो, 1-2 फिक्स अपना लिक्विड फंड फिक्स कर लेने का, जैसे मैं HDFC का लिक्विड फंड है उसमें पैसे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं 3 साल पहले भी यही करता था, अभी भी यही करता हूँ, कोई बड़े चेंजेस नहीं है उसमें, बराबर, राइट? पर मैं मास्टर नहीं हूँ उस चीज में, मैं म्यूचुअल फंड में बिल्कुल मास्टर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज में आपको कोई म्यूचुअल फंड के एडवाइजर जो होंगे वो आपको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड फंड अच्छा, बराबर है। इंद्रजीत भाई है जो म्यूचुअल फंड में काम करते, जो आपके ग्रुप में ही, आप उनको भी पूछ सकते हो, या इट्स योर चॉइस, बराबर ना? ओके सर, राइट सर। और एक सर, जैसे SIP में, जैसे आप SIP का हमें, जैसा पोर्टफोलियो का हमें 5% इन्वेस्ट करने के लिए जैसे आप बोलते हैं, वो तो लमसम के लिए हमें इजी होता है, जैसे 1,00,000 है तो 5,000 हमें कोई कंपनी के हिसाब से, हम वो कंपनी में 5% तक का हम कंपनी का शेयर ले सकते हैं, लेकिन SIP अगर हम कर रहे हैं तो वो कैसे ये करना चाहिए, जैसे अभी मैं 5,000 का अगर समझो कोर्स खत्म होने के बाद मैं 5,000 का सेविंग कर रहा हूँ, तो मैं उसका 5% यानी कि बहुत ऐसे हो जाएगा। हाँ देखो, ये भी सिंपल है, इसको ऐसे सोचो कि आप इंश्योरेंस लेते हो तो ये थोड़ी ना सोचते हो कि आज कितना कमा रहे हो, बराबर ना? हाँ सर। अपन क्या सोचते हैं कि आने वाले 5 साल में मैं कितना कमाने वाला हूँ, मेरी वर्थ क्या है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस चाहिए ताकि कल मैं हो ना तो भी मेरे को इंश्योरेंस क्लेम आ जाए फैमिली को। सेम थिंग इन इक्विटी,
मैं ये गिन लूंगा कि 5 साल में मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, हर महीना 5,000, हर महीना 10,000, जो मेरी फिगर है वो करके मैं इतना तो करने ही वाला हूँ, लगाने ही वाला हूँ, अब मैं उसके हिसाब से वेटेज गिन बराबर है, जो पैसे लगाने वाले हैं उसके हिसाब से आप वेटेज गिन सकते हो, राइट? ओके सर, राइट सर, क्लियरिटी हो गई, राइट, थैंक यू सर. मुझे एक चीज पूछनी थी, म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना था. यस सर, ये है कि मैं हैवीली इन्वेस्टेड हूँ म्यूचुअल फंड में, और अभी मुझे धीरे धीरे इक्विटी में शिफ्ट करना है. जैसे अपन स्टडी करते जा रहे हैं तो आई वॉन्ट टू शिफ्ट स्विच फ्रॉम देयर, तो कैसे कर सकते हैं सर, वो थोड़ा जानना था. मैंने 2007 में डिसीजन लिया था कि इक्विटी में रखना है अभी सर, मैंने उधर बेचान सीधा इक्विटी कर लिया. ओके, तो स्ट्रेट अवे कर सकते हैं. उससे पहले मैंने कॉन्फिडेंस लिया, उससे पहले मेरा निवेश बहुत था, म्यूचुअल फंड में भी था, इक्विटी में ही था. अब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यार बाजार गिरेगा तो म्यूचुअल फंड भी गिर रहा है, बाजार चल रहा है म्यूचुअल फंड भी चल रहा है, तो मेरे पास जो शेयर है वो गिर रहे, म्यूचुअल फंड गिर रहा है, मैं क्यों इतने सारे टेंशन लेके घूमू, कितने म्यूचुअल फंड चेक करने के, कितने शेयर चेक करने के, छोड़ो ये सब. सिंपल रखो, फिक्स डिपोजिट में डाला है पैसा, एफडी हो गया, इक्विटी में डालना है सीधा इक्विटी हो गया, एकदम सिंपल एंड स्वीट. सही हो गया, करेक्ट है सर. मैंने एक ही टाइम में वो डिसीजन ले लिया, बाद में रिजल्ट देखने के बाद कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं, बराबर है. मैंने 5-4 साल का मेरे को अनुभव हुआ, खराब में अच्छे में, फिर मैंने डिसीजन ले लिया चलो अभी ऐसा ही करेंगे, और ऐसा किया बाद में, और मैं आज उस डिसीजन से बहुत ही खुश हूँ कि अच्छा है मैंने ये निर्णय लिया, बराबर ना. नहीं तो मेरा ट्राई था, मेरा म्यूचुअल फंड में शेयर बाजार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट था. ओके, मेरे को तो ये था पीयूष पटेल को बुद्धू, अपने को कुछ नहीं आएगा, और वो लोग तो बहुत होशियार होते हैं, वो तो अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, बराबर ना. पर जब बुद्धू ने इन्वेस्ट करना चालू किया तो और अच्छा है. हम ये जैसे स्टडी करते जा रहे हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं. जैसे मैंने डीमार्ट में आपको पूछ के करेक्शन में बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया सर, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट, काफी अच्छा ग्रो भी कर दिया वो तो अभी, बराबर है. और अभी तो शुरुआत है राकेश भाई, हाँ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ते जा रहा है, बराबर. तो ये जैसे कॉन्फिडेंस आता जाता है ना, वैसे आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, बराबर. मैंने पहले भी यही कहा था, आज भी यही कहूंगा कि जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे. हमें खाली चाहिए क्या, पेशेंस चाहिए. अच्छी चीजों के लिए पेशेंस चाहिए, खराब चीजों के लिए इमीडिएट डिसीजन चाहिए. कुछ भी बुरा है तो फिर इमीडिएट डिसीजन ले लेगा, नहीं करना है इसको, छोड़ो ये कंपनी को. कोई कंपनी में खराबी आ गई, बुरा हुआ, धोखा दे दिया, फिर वो उसमें पेशेंस मत रखो. इमीडिएट डिसीजन एकदम क्लियर, एकदम या तो ये अच्छा है या नहीं है, बराबर ना, राइट सर, कंफ्यूजन में नहीं. बिल्कुल सर, बढ़िया सर, थैंक यू, थैंक यू सर. सर लास्ट क्वेश्चन. यस प्लीज. सर एफडी कितने अमाउंट की होनी चाहिए मिनिमम, एनी स्पेसिफिकेशन? या जितना शेयर बाजार में है उतना एफडी में होना चाहिए. ओके, बराबर. हर महीने अगर आप 10,000 रुपए सेव करते हो तो 5,000 शुड गो इन फिक्स सिक्योरिटीज, 5,000 शुड बी गोइंग इन इक्विटी, राइट? ओके. आपको लगेगा इक्विटी में मेरे को ज्यादा डालना चाहिए जब तेजी आती है तो, पर उसी प्रकार से आपको लगेगा मंदी में एफडी में ज्यादा डालना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है कि बोथ द थिंग्स इन बैलेंस, ताकि जब भी पैसे की जरूरत हो तो एफडी काम लगे, और जब सपने पूरे करने का टाइम आएगा तब ये इक्विटी सपनों को पूरा करेगा. थैंक यू. ओके, थैंक यू सर. ओके, सो Over and out. Yes. Right? चलिए मिलेंगे वापस next week. Thank you so much. Best of luck. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.